हेलो किड्स वेलकम टू माई क्लासरूम टूडे वी विल लर्न मैथ्स फॉर क्लास वन दीज आर दी कॉन्टेंट्स हमें क्या क्या पढ़ना है शेप्स एंड स्पेस शेप्स यानी आकृति नंबर फ्रॉम वन टू नाइन एक से नौ तक के नंबर एडिशन जोड़ना सब्सट्रैक्शन यानी घटाना नंबर फ्रॉम टेन टू ट्वेंटी दस से बीस तक के नंबर टाइम यानी समय मेजरमेंट यानी माप ओके नंबर्स फ्रॉम ट्वेंटी वन टू फिफ्टी इक्कीस से पचास तक के नंबर डाटा हैंडलिंग डाटा को संभालना पैटर्न्स, नंबर्स मनी यानी पैसा हाउ मैनी यानी कितने शेप्स एंड स्पेस शेप्स यानी आकृति एंड स्पेस स्पेस यानी जगह इनसाइड आउटसाइड यानी अंदर बाहर द अरब एंड हिज कैमल It was a cold winter day. The Arab was traveling on the camel back. At night, the Arab pitched his tent and went inside it. The camel was outside. Means यह अरब और यह उसका camel यानी ऊंट. आपने कभी ऊंट देखा है? ठंडी का दिन था और अरब ऊंट की पीठ पे बैठ के जा रहा था एट नाइट रात्रि में उसने एक टेंट लगाया और उसके अंदर चला गया और कैमल ऊट बाहर था आउटसाइड मे आई पुट माई नेक इनसाइड इट वॉज टू कोल्ड आउट साइड कैमल बोलता है क्या मैं अपना गर्दन टेंट के अंदर ले आऊं बाहर बहुत ठंड है फिर अरब कहता है ओके यू मे पुट यू नेक इन साइड मीन्स ठीक है तुम अपनी गर्दन अंदर ला सकते हो फिर कैमल कहता है मे आई पुट माई फ्रंट लेग इन साइड इट इज टू कोल्ड आउट साइड मीन्स क्या मैं अपना बस आगे का पैर अंदर ले आ सकता हूं बाहर बहुत ठंड है फिर अरब कहता है ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इन ठीक है तुम अपने फ्रंट लेग्स को अंदर ला सकते हो फिर कैमल कहता है कैन आई कम इन साइड इट इज टू कोल्ड आउट साइड मीन्स कैमल कहता है क्या मैं अंदर आ जाऊं बाहर बहुत ठंड है फिर अरब कहता है ओ oh नो no, द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ मीन्स नहीं टेंट हम दोनों के लिए बहुत छोटा है फिर कैमल कहता है सो आई एम कमिंग इन साइड एंड यू गो आउटसाइड मीन्स मैं अंदर आता हूं और तुम बाहर जाओ ओके कैन यू गाइज टेल मी वाट इज द शेप ऑफ दिस टेंट इस टेंट का क्या शेप है किस आकृति में है One guess, इफ यू कैन वेरी गुड इट इज triangle. ओके बिगर स्मॉलर टेक द बिगर जो बड़ा है उनमें ट्रिक करना है ओके okay? जैसे हिपोपटामस ये बड़ा है इस पर ट्रिक करेंगे दरियाई घोड़ा टिक स्मॉलर यहाँ पे जो छोटा है उस पर टिक करेंगे जैसे ये लीफ ये छोटा है पत्ता टिक दी स्मॉलर टायर छोटा जो चक्का है टायर उस पर टिक करेंगे ओके तो ये छोटा है इस पे टिक करेंगे बिगेस्ट स्मॉलेस्ट टिक दी स्मॉलेस्ट ट्री जो सबसे छोटा पेड़ है उस पर टिक करना है ओके okay? ये सबसे छोटा पेड़ है इसपे टिक करेंगे टिक द बिगेस्ट एनिमल जो सबसे बड़ा जानवर है हम उसमें टिक करेंगे तो एलिफेंट हाथी सबसे बड़ा है हम इस पर टिक करेंगे टिक दी स्मॉलेस्ट फ्रूट जो सबसे छोटा फ्रूट है फल है हम उसमें टिक करेंगे ये चेरी सबसे स्मॉलेस्ट है सबसे छोटा है उसमें टिक करेंगे टिक दिस बिगेस्ट बबल जो सबसे बड़ा बबल है हम उसमें टिक करेंगे ये सबसे बड़ा बबल है इसमें टिक करेंगे टॉप बॉटम टॉप यानी ऊपर बॉटम यानी नीचे ये बच्चा टॉप में है और ये बच्चा बॉटम में है नीचे है ये चिड़िया टॉप पे है ऊपर है ये कैट नीचे है बॉटम में टिक द पॉट ऑन द टॉप जो पॉट सबसे टॉप पे है यानी ऊपर है हम उसमें टिक करेंगे ये पॉट सबसे ऊपर है हम इसमें टिक करेंगे टिक द एनिमल एट बॉटम ऑफ द स्टेयर्स ये सीढ़ी स्टेयर्स के सबसे बॉटम बॉटम यानी नीचे में जो एनिमल है हम उसमें टिक करेंगे जैसे ये पप्पी से तो नीचे है हम इसमें टिक करेंगे नियरर फर्दर पास का और दूर का टिक द बर्ड नियरर टू होम जो बर्ड घर के नजदीक है हमें उस पर टिक करना है ये बर्ड घर के नजदीक है हम इस पर टिक करेंगे टिक द कैट फर्दर फ्रॉम द ट्री फर्दर यानी दूर बिल्ली सबसे दूर है हम इस पर टिक करेंगे नियरेस्ट पास और दूर फ्रॉम द स्विंग स्विंग यानी इस झूले से सबसे दूर है ये बच्ची नियरेस्ट टू द स्विंग इस झूले के पास सबसे नजदीक है यह बच्चा टिक द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री इस पेड़ से सबसे दूर में जो पपी है हम उसमें टिक करेंगे ये पपी सबसे दूर में है हम इसमें टिक करेंगे टिक द ट्री नियरस्ट टू द बर्ड इस बर्ड के नजदीक में जो सबसे पेड़ है हम उसमें टिक करेंगे ये पेड़ सबसे नजदीक है हम इसमें टिक करेंगे ऑन यानी ऊपर अंडर यानी नीचे अबव यानी ऊपर बिलो यानी नीचे Take the children on the table and cross the children under the table children on the table or children under the table हमें उन्हें ढूंढना है ये है children on the table table के ऊपर यह है चिल्ड्रन अंडर द टेबल टेबल के नीचे इस पे हम ऐसे राइट का निशान लगा लेंगे इस पे हम क्रॉस का निशान लगा लेंगे अब इस पिक्चर में आपको डिस्कस करना है कौन नियर है कौन फार है कौन टॉप है कौन बॉटम पे है जैसे ये बच्चा ये टॉप पे है और ये बच्चा जो खेल रहा है ये बॉटम पे है ये बच्चा वेल के नजदीक है नियर टू द वेल ये बच्ची वेल से दूर है फार फ्रॉम द वेल शेप्स अराउंड हमारे आसपास जो भी शेप्स दिखते हैं आकृति इस पिंक और येलो बॉक्स में हम ये जो भी शेप्स हैं उन्हें डालेंगे जैसे पिंक वाले बॉक्स में हम केवल रेक्टेंगल शेप डाल रहे हैं तो सारे रेक्टेंगल शेप्स इसमें जाएंगे ओके और येलो वाले बॉक्स में हम सर्कल यानी गोल वाले शेप्स डाल रहे हैं तो सारे सर्कल वाले शेप इसमें जाएंगे जैसे ये बलून टोमेटो फुटबॉल ऑरेंज ये सभी मैच दी सिमिलर शेप्स बाई ड्रॉइंग ल लाइन लाइन ड्रॉ करना है जो सिमिलर शेप की हों जैसे ये बॉक्स इस बॉक्स से चौक वाले बॉक्स से सिमिलर है ये टोमैटो फुटबॉल जैसा शेप है सर्कल गोल ये बॉल बलून जैसा शेप है और वाइस वर्सा ये रेक्टेंगल स्क्वायर और सर्कल का शेप है सब सॉर्टिंग, यानी सजाना सॉर्ट द शेप बाय ज्वाइनिंग विथ सिमिलर शेप्स जो भी शेप्स एक जैसे दिख रहे हैं उन्हें हमें सॉर्ट करना है यानी एक तरह के शेप को सजाना है साथ में सॉर्ट करके उसे ही शॉर्टिंग कहते हैं लाइक like दिस ये सिलेंड्रिकल शेप का है उसी तरह यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल शेप का है फिर ये भी सिलेंड्रिकल शेप का है ये भी और ये भी वाटर बॉटल है फिर ये कॉनिकल शेप का है ये आइसक्रीम का कोन है कॉनिकल शेप का फिर ये बर्थडे कैप है कॉनिकल शेप का फिर फनल है कॉनिकल शेप का चलिए आप बताइए यहाँ पे स्क्वायर की शेप का कौन कौन है और कहाँ पे है जैसे ये एक गिफ्ट और गिस करिए कर पा रहे हो तो वेरी गुड नाउ सर्कल की शेप का सर्किल की शेप का कौन कौन है बलून बॉल वाटरमेलन, टोमेटो ऑरेंज ये सब सर्कल के शेप के हैं मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर शेप एक जैसे शेप्स के पेयर बनाने हैं जैसे ये कॉनिकल शेप का पेयर होगा बर्थडे कैप ये भी कॉनिकल है फनल ये भी कॉनिकल है सिलेंडर का ये कैंडल ये बैटरी और ये ये स्मॉल सर्कल है तो ये स्मॉल सर्कल स्मॉल सर्कल के साथ जाएगा ये बिग सर्कल है तो बिग सर्कल के साथ जाएगा एंड लाइक दैट आप बाकी कर सकते हो रोलिंग स्लाइडिंग रोल करना जैसे रोल करके ये बॉल गिर गया कर, स्लाइड करना फिसल के ये बॉक्स गिर गया नाउ टेक ऑब्जेक्ट्स दैट विल रोल उन ऑब्जेक्ट्स को टिक करो जो कि रोल होगा ये रोल हो सकता है ये भी और ओनियन भी नाव टेक ऑब्जेक्ट्स दैट विल स्लाइड उन ऑब्जेक्ट्स को टिक करो जो कि स्लाइड होंगे फिसल जाएंगे से ये बैग फिसल जाएगा अब आप बताओ क्या ये फिसलेगा या फिर रोल होगा वाइज ग्रैंड मदर यानी चलाक दादी माँ वंस देर वॉज ए लैम गोइंग टू तो सी हिज ग्रैंड मदर एक बार एक भीड़ अपनी दादी माँ को मिलने जाता है ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वुल्फ रास्ते में एक भेड़िया मिल गया और भेड़िया सोच रहा था आई एम गोइंग टू ईट यू मैं तुम्हें खा जाऊंगा फ्री लैम कहता है प्लीज लेट मी गो आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर यू कैन ईट मी वैन आई रिटर्न लैम बोला मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूं प्लीज मुझे जाने दो जब मैं वापस आऊंगा तब खा लेना वोलता है ओके यू मे गो ठीक है तुम जाओ वैन ही वॉज अबाउट टू रिटर्न ही टोल्ड द ग्रैंड मदर अबाउट द वुल्फ जब वो वापस जाने वाला था उसने अपनी दादी माँ को उस वुल्फ के बारे में बताया द ग्रैंड मदर गेव हिम एन आइडिया तब दादी माँ ने एक आइडिया बताया गो एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक जाओ और उस ढोलक में छुप जाओ ही डिड सो उसने वैसा ही किया द ग्रैंड मदर रोल द ढोलक ऑन द रोड तब दादी माँ ने ढोलक को रोड पे रोल कर दिया लुका दिया तो ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन और ढोलक लुढ़कना चालू हो गया द लैम सॉ द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम लैम ने देखा वुल्फ उसके लिए वेट कर रहा है डिड यू सी अ लैम कमिंग दिस वे उसने ढोलक से पूछा क्या तुमने किसी लैम को इस रास्ते आते देखा है फिर उधर से आवाज आई नो no, नहीं द व्फ क्रूज सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक दुल्फ को सस्पीशियस फीलिंग आई थोड़ा सा अजीब लगा तब उसने ढोलक के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया बिफोर द वुल्फ कुड कैच हिम द लैम रिचड होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर इससे पहले कि वो वुल्फ उसे पकड़ पाता वो अपने घर में छुप गया और अपनी दादी माँ को थैंक यू कहा शेप्स यानी आकार मैच द शेप्स ऑफ सेम साइज जो एकदम समान साइज के हैं आकार के हैं उन्हें मिलाना है जैसे ये बिल्कुल समान आकार के हैं एग्जैक्ट सेम साइज फिर ये दोनों सेम साइज है फिर ये दोनों सेम साइज है ये दोनों सेम साइज है और फिर ये सबसे छोटा ये यहां पे ये सेम साइज है मैच दी सेम शेप्स जो समान शेप्स के हैं उन्हें मिलाना है ओके बिल्कुल ही सेम दिखते हों, सेम शेप, जैसे ये सर्कल, यहाँ पे ये यह सर्कल, जैसे ये त्रिभुज, यहाँ पे ये त्रिभुज, जैसे ये सेमी सर्कल, यहाँ पे ये यह सेमी सर्कल, जैसे ये पेंटागन, वैसे, यहाँ पे ये पेंटागन, जैसे ये पहले लोग्राम ऐसे ही ये दी लोग क्लियर शेप्स जो सबसे छोटे शेप के हैं उन्हें क्लियर करना है जैसे ये सबसे छोटा है तो इसे क्लियर कर दिए इसी तरह ये सबसे छोटा है तो इसे क्लियर तो करेंगे और यहाँ पे ये सबसे छोटा है इस पर क्लियर क्लियर करेंगे और यहाँ पे ये सबसे छोटा है तो इस पर क्लियर करेंगे ज्वाइन दी सिमिलर शेप्स जो सेम शेप्स के हैं उन्हें मिलाना है इसी ये सेम शेप का है फिर ये और ये सेम शेप का है फिर ये और ये सेम शेप का है फिर ये और ये सेम शेप का है कलर ग्रीन रेड एंड ब्लू यहाँ पे आपको क्लियर करने हैं ये शेप्स बनाने हैं नंबर्स फ्रॉम वन टू नाइन यानी कि एक से नौ तक के नंबर एज मैनी एज जितने यहां हैं उतना ही यहां पे होंगे चलो काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव वन टू थ्री फोर एंड फाइव यहां पे कितने रेबेट है One, two, कितने कैरेट है वन टू थ्री यहाँ पे टी शर्ट कितने हैं यहाँ पे शर्ट काउंट करो वन टू थ्री And four, four shirts, a pant. One, two, three, and four. Four pants. Eraser, count karo jaldi jaldi. If you can, very good. One, two, three, four, and five. Uh, and pencils. There are five pencils.

लेस जो कम है लेस है वहां पे टिक करना है थ्री लॉक्स वन टू थ्री एंड फोर कीज ओके तो थ्री लॉक्स लॉक पे टिक करेंगे टिक मोर जो ज्यादा है मोर है वहां पे टिक करना है फोर काइट्स तो फोर काइट पे टिक करेंगे ये ज्यादा इससे यहाँ पे वन एंड टू दो है काउंटिंग वन 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 लिटिल बेबी ईटिंग बन ये बच्चा बन खा रहा टू 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 लिटिल चिल्ड्रन गो टू द जू दो बच्चे जू जा रहे हैं थ्री 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 ग्रीन पैरट्स फ्लाइंग फ्री तीन पैरट तोते उड़ रहे हैं फोर 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 हंग्री पप्स वन टू ईट मोर चार पप्स और ज्यादा खाना चाहते हैं फाइव 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 हनी बीज आर गोइंग टू दी हाइव पांच बीज पांच मधुमक्खियां अपने छत्ते को जा रहे हैं Six, 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 six tiny स Sony has to fix छह काटिया Sony को लगानी है Seven 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 little रॉक्स are going to heaven सात heaven जा रहे हैं कैट आठ मोटे चूहे बिल्ली को दौड़ा रहे नाइन 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 रेड एंड वॉक इन अ लाइन नाइन रेड एंड नौ लाल चीटियां एक लाइन में चल रही हैं काउंट एंड मैच गिनो और मिलाओ चलो यहां काउंट करो वन टू तो यहां कहां पे टू है वन टू तो ये यहां पे मिलेगा वन टू थ्री फोर वहां पे फोर है बताओ वन टू थ्री एंड फोर यहां पे काउंट करो कितना है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो सिक्स कहाँ पे चलो गिस करो गिस करो कर पा रहे हो वेरी गुड वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये यहाँ पे मिलेगा थ्री का यहाँ पे मिला हुआ है यहाँ पे कितना है काउंट करो कमॉन ये है सेवन ये जाके यहाँ पे सेवन मिलेगा यहाँ पे काउंट करो ये है नाइन ये यहां पे जाके मिलेगा ये भी है नाइन ये फोर और ये फोर मिला हुआ है ये कितने पेंसिल है कमऑन काउंट फास्ट देयर आर एट पेंसिल्स आठ पेंसिल है ये यहां पे मिलेगा वन फ्लावर ये वन यहां पे जाके मिलेगा ये कितना काउंट करो कमॉन फास्ट फास्ट ये है फाइव ये जाके मिलेगा यहां पे फाइव वन जितने भी वन हैं उनको यहां पे लिखो जैसे वन डॉग वन बॉय वन लैम्प एक्सेट्रा बाकी आप ट्राई करो सेम एज जो भी टू है दो है उन्हें यहाँ पे लिखो जैसे टू काउस टू मैन टू हर्ट एक्सेट्रा now three there are three monkeys and so on. four four kites, 5, 5 balloon, count and match two watermelon, two three stairs, ten unia, three, one elephant, one. ये कितने काउंट करो फास्ट। फोर सिलेंडर्स। फोर यहाँ कितना है मिल्क के बोटल फाइव तो ये मेक ग्रुप्स ऑफ ग्रुप बनाना है हमें फोर बॉटल्स चार बोतल का ग्रुप बनाना है तो उस पर हम ऐसे घेरा लगा देंगे चार बॉटल्स थ्री ट्रीज तो थ्री ट्रीज पे ऐसे घेरा लगा देंगे टू ड्रम्स फिर ऐसे टू ड्रम्स पे घेरा लगा देंगे फाइव लैंटेंस तो फाइव लैंटेंस पे घेरा लगा देंगे ऐसे ऐसे फाइव इन इनपे क्लियर करना है पांच बेलून्स पे वन टू थ्री फोर एंड फाइव इन पे केवल क्लियर करना दो पे नहीं क्लियर फोर फ्लावर्स चार फूल पे क्लियर करना है ओके वन टू थ्री एंड फोर दो पे नहीं क्लियर टू ट्रीज।, ट्रीज दो ट्रीज पे क्लियर करना है वन एंड टू बाकी पे नहीं क्लियर थ्री बोट्स तीन नाव पे क्लियर करना है वन टू एंड थ्री बाकी पे नहीं चलिए बताइए इस इमेज में कितने सारे सिक्स आपको दिख रहे हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव बैठे हैं ये कितने सारे फ्रूट्स हैं सिक्स फ्रूट्स हैं ये फ्लावर काउंट करिए come on very good 6 persons are there 6 fruits are there and 6 flowers are there 7 इस पिक्चर में आपको कितने सारे सेवेन्स दिख रहे हैं सेवन बटरफ्लाई आर देयर 7 fruits are there, and come on, guess if you can. Very good. 7 flowers are there. 8. How many 8s are there in this picture? Come on, tell me. There are 8 bags, 8 books, and 8 trees are there. And eight children are there. Nine. How many nines are there in this picture? Come on, tell me. There are nine peoples in this picture. Nine birds are there. And nine herds. Let's count. Okay. कमॉन रिपीट आफ्टर मी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन वेरी गुड काउंट एंड मैच काउंट करो और ये जो नंबर है उनसे मिलाओ ओके लेट्स काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन नाइन बनाना सा देर सो नाइन पे लिखा हुआ है ये रहा नाइन नाउ टेल मी हाउ मेनी टॉफीज आर देयर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सेवन देयर सो सेवन पे है दिस इज सेवन सो हम यहाँ आपसे सेवन को मैच कर देंगे नाउ हाउ मेनी पेन्स आर देयर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट एट पेंस आर देर ये रहा एट यहां से ऐसे मिला देंगे नाउ टेल मी हाउ मैनी हर्ट्स आर देर हाउ मैनी होम्स वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सिक्स होम्स आर देयर ये रहा सिक्स हमें इसे यहाँ पे मिला देंगे मेक ग्रुप्स ऑफ हमें ग्रुप बनाना है सिक्स लीव्स ये रहा सिक्स लीव्स सेवन ग्लासेस मींस, एक ग्लासेस को छोड़ के बाकी सबका एक ग्रुप बनेगा एट पोटैटोज आठ आलू को ग्रुप में बनाना है दो आलू को छोड़ दीजिए बाकी सबका ग्रुप बना दीजिए नाइन एंड्स एंड्स को रहने दीजिए बाकी सबका ग्रुप बना दीजिए मैच दी नंबर्स विद दी पिक्चर्स इन पिक्चर्स से नंबरों को मिलाना है जैसे ये थ्री है तो इन पिक्चर में कहाँ पे थ्री ऑब्जेक्ट्स है ये रहा थ्री सीम एज टू कहां पे टू है ये रहा टू आइसक्रीम वन कैमल एंड फाइव मग्स फोर बर्ड्स फाइव ब्रिंजल पांच बैगन एंड सिक्स मग्स सेवन लीव्स यहां पे ऐसे मिल जाएगा एट स्टिक्स एंड नाइन बेल्स क्लियर सिक्स बर्ड्स छह बर्ड्स को हमें क्लियर करना है एक बर्ड को क्लियर नहीं करिएगा बाकी सबको क्लियर करना है नाइन मैंगोस सारे मैंगोस को क्लियर करना है क्लियर वन एलिफेंट एक हाथी को आपको क्लियर करना है सेवन ब्रिक्स सेवन ब्रिक्स को आपको क्लियर करना है ये एक लाइन और ये एक ब्रिक बस नेम दिस थिंग्स एंड राइट दिए नंबर इन दिस सर्कल इन चीजों का नाम बताइए और काउंट करके इन सर्कल में लिखिए दिस इज फिश मछली आइए से काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो हम यहां पर लिखेंगे सेवन ये है बुक्स और ये है वन एंड टू टू बुक्स सा देर तो हम यहां पर लिखेंगे टू ये है बकेट थ्री बकेट सा देर तो हम लिखेंगे थ्री ये है बलून बलून कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सेवन बैलून्स तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेवन ये है कैंडल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन यहाँ पे हम लिखेंगे नाइन ये है माउस फोर माउस यहाँ पे लिखेंगे फोर ये है बेल फाइव बेल ये है ब्रश ये कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हम लिखेंगे नाइन क्लियर द कलेक्शन विच हैज मोर ऑब्जेक्ट्स जो भी ऑब्जेक्ट ज्यादा है हमें उसे क्लियर करना है जैसे ये फोर बॉटल्स हैं और थ्री ग्लासेस हैं तो फोर बॉटल्स में क्लियर किया हुआ है क्योंकि ये ज्यादा है सेम ये फोर बैट्स हैं एंड सिक्स बॉल्स हैं आप बताइए कौन ज्यादा है सिक्स बॉल्स राइट तो हम इस पर कलर करेंगे ये कितने हैं वन एंड टू बटरफ्लाईज कितने हैं वन टू एंड थ्री थ्री है तो हम बटरफ्लाईज पे क्लियर करेंगे ये थ्री नेर्स एंड फोर हैमर्स चार हैमर हैं हथौड़े तो हम हैमर हथौड़ों पे क्लियर करेंगे ये एट एप्पल्स एंड सेवन मैंगोज तो हम एप्पल्स को क्लियर करेंगे मेक द कलेक्शन इक्वल जो भी कलेक्शन है हमें इक्वल करना है यहां पे तीन स्क्वायर और बनाना होगा तो ये हो जाएगा फाइव ये सिक्स ट्राइंगल है तो यहां पे दो ट्राइंगल और बनाना होगा यहां पे सेवन स्पाइरल है तो यहां पे भी हमें दो और स्पाइरल बनाने होंगे हो जाएंगे सेवन ज्वाइन इन ऑर्डर ऑर्डर में ज्वाइन करना है वन वन के बाद आता है टू टू के बाद आता है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन बताओ क्या बना एक नाव उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन बताओ क्या बना एक पैरिशी मछली फिश राइट दी मिसिंग नंबर जो नंबर मिसिंग है नहीं लिखे हुए हैं हम उन्हें लिखना है तो वन वन के बाद क्या आता है? बताइए टू तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू थ्री फिर यहाँ पे लिखेंगे फोर फिर यहाँ पे फाइव ये है सिक्स यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे सेवन ये है एट यहाँ पे हो गया नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन वॉट कम्स बिफोर एंड आफ्टर फाइव पांच से पहले और पांच के बाद क्या आता है कॉमन गेस फोर फाइव एंड सिक्स पांच से पहले चार आता है और पांच के बाद छः आता है What कम्स बिफोर सिक्स छ के पहले क्या आता है छी के पहले आता है पाँच फाइव वाट कम्स आफ्टर वन वन के बाद क्या आता है वन टू एंड थ्री What कम्स बिफोर एंड आफ्टर फोर चार से पहले और चार के बाद क्या आता है चार के पहले आता है तीन चार के बाद आता है पाँच फाइव वॉट आर द नेक्स्ट नंबर इनके बाद का नंबर क्या है बताइए टू कमॉन थ्री एंड फोर व्हाट आर द नेक्स्ट नंबर थ्री के बाद क्या आता है थ्री फोर एंड फाइव वेरी गुड जीरो फाइव जूसी मैंगोज केप्ट इन अ बास्केट इफ यू पिक एंड ईट वन हाउ मैनीफ्ट अगर पाँच मैंगोज हैं आम है पाँच ओके और उनमें से आपने एक खा लिया तो कितने बचे वन टू थ्री एंड फोर फोर पाँच था एक खा लिया चार बचे फोर जूसी मैंगोस केप्ट इन अ बास्केट इफ यू पिक एंड ईट वन हाउ मेनी विल बी लेफ्ट चार मैंगोस थे और उसमें से आपने एक खा लिया तो कितने बचे वन टू एंड थ्री यहाँ पर लिखेंगे थ्री थ्री जूसी मैंगोस केप्ट इन अ बास्केट इफ यू पिक एंड ईट वन हाउ मैनी लेफ्ट तीन मैंगोस थे उसमें से आपने एक खा लिया तो कितने बचे वन एंड टू यहाँ देखेंगे टू टू जूसी मैंगोस बास्केट इफ यू पिक एंड ईट वन हाउ मैनी लेफ्ट दो थे और आपने एक खा लिया तो कितने बचे एक वन जूसी मैंगो केप्ट इन अ बास्केट इफ यू पिक एंड ईट वन हाउ मैनी लेफ्ट अब एक ही आम था आपने उसे भी खा लिया तो कितने बचे जीरो काउंट एंड राइट नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन द ब्रांच इस ब्रांच पे टहनी पे जितने बर्ड्स हैं हमें उनकी नंबर लिखने हैं वन टू थ्री एंड फोर फोर बर्ड्स तो यहां लिखेंगे फोर फिर एक बर्ड उड़ गया वन टू एंड थ्री तो बच्चा कितना थ्री फिर एक और उड़ गया तो कितने बच्चे वन एंड टू टू बर्ड्स आर देयर फिर एक और उड़ गया सो हाउ मेनी लेफ्ट? तो हम पे लिखेंगे फिर वो भी उड़ गया तो कितने बच्चे जीरो तो यहाँ पे लिखेंगे जीरो वेरी गुड हाउ मेनी इन द केज इस पिंजरे में तीन माउस है एक भाग गया तो बच्चे कितने टू टू माउस फिर एक और भाग गया बच्चे कितने वन वन माउस फिर वो भी भाग गया तो कितने बच्चे पिंजरा हो गया खाली बच्चे जीरो माउस माइस हाउ मैनी बेलून्स इन हैंड हाथ में कितने बलून्स हैं देखिए यहाँ पे हैं. Three balloons. Three balloons है थ्री बेलून्स थ्री बेलून्स हैं, फिर एक फूट गया बच्चे कितने टू बैलून्स वो भी फूट गया बचे कितने एक बेलून्स फिर सा आखिरी वाला भी फूट गया तो बचे कितने एक नहीं एक भी नहीं जीरो बलून्स एडिशन यानी ऐड करना जोड़ना वन मोर वन लिटिल पैरोट सिंगिंग आई लव यू वन मोर ज्वाइन सीन मेकिंग देम टू एक पैरट है फिर एक और आ गया तो कितने बन गए दो टू लिटिल पैरट्स रेस्टिंग ऑन अ ट्री वन मोर ज्वाइन सीन मेकिंग देम थ्री दोनों पैरेट आराम कर रहे थे पेड़ पे फिर एक और पैरेट आ गया तो कितने हो गए तीन थ्री

चार पैरेट थे फिर एक और आपके ज्वाइन कर लिया कितने हो गए फाइव हाउ मैनी ऑल टूगेदर कितने हैं ये टोटल टू काउस दो काउ थे फिर एक और काउ आ गया तो कितने ये टोटल काउ हो गए वन टू एंड थ्री यहाँ पे हम लिखेंगे थ्री काउस और आप थ्री काउस के ड्राइंग बना दोगे

टू फ्लावर्स और ऐड कर दिए तो कितने हो गए पाँच और दो सात सन फ्लावर्स फोर बर्ड्स उसके बाद फिर दो बर्ड और ऐड हो गए तो कितने बर्ड हो गए टोटल फोर एंड टू सिक्स काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सिक्स बर्ड सिक्स शर्ट फिर दो और ऐड हो गया तो कितने होंगे टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट एट शर्ट्स फाइव टोमेटो है ओके okay? और आप कितने टोमेटो ऐड करना चाहोगे वो यहां पे लिखो और दोनों को ऐड करो वो यहाँ पे लिखो लाइक फाइव टमाटोज ओके वन टू थ्री फोर एंड फाइव अब सपोज करिए इसमें हम थ्री टमाटो और ऐड करते हैं तो वन टू एंड थ्री थ्री टमाटो फाइव ये फाइव सिक्स सेवन एंड एट एट टमाटोज टोटल हो जाएंगे एट हम यहाँ पे लिखेंगे फाइव और यहाँ पे लिखेंगे थ्री पांच और तीन आठ फाइव एंड थ्री एट फोर ants, चार चिटियां और फिर दो चिटियां और ऐड हो गई टू एंड्स फोर एंड टू ऑन काउंट वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स यहां पे लिखेंगे हम सिक्स ants, यहां पे आप ड्राइंग भी बना सकते हो टू बुक्स और इसमें कितना ऐड करना चाहोगे थ्री uh, बुक्स तो यहाँ पे थ्री बुक्स बनाएंगे यहाँ पे लिखेंगे टू यहाँ पे लिखेंगे थ्री तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव बुक्स ओके वेरी गुड हाउ मेनी ऑल टुगेदर यहाँ पे कितने हैं वन टू थ्री एंड फोर फोर फ्लावर्स फिर थ्री फ्लावर्स ऐड हुए तो कितने होंगे सन फ्लावर्समस ये है फाइव पपीज वन टू थ्री फोर फोर पपीज फोर लिखेंगे और फिर टू पपीज और ऐड हो गए तो ये हो गए टोटल सिक्स पपीज यहाँ पे हम लिखेंगे सिक्स ये है एट कैंडीज कितने कैंडीज हैं वन टू थ्री फोर और इसके पास वन टू थ्री फोर यहाँ पे लिखेंगे फोर और यहाँ पर लिखेंगे फोर टोटल हो गए एट कैंडीज फोर प्लस फोर काउंट करिए फोर इधर फाइव सिक्स सेवन एंड एट एट कैंडीज हो गए एडिशन टू प्लस थ्री काउंट करिए कितने होंगे वन टू थ्री फोर एंड फाइव तुम यहां पे लिखेंगे फाइव उसी तरह फोर अपने फिंगर्स पे काउंट करिए वन टू थ्री एंड फोर अब आप इसमें दो फिंगर और ऐड करिए फाइव एंड सिक्स अपने दूसरे हाथों के दोनों फिंगर एक हाथ में काउंट करिए वन टू थ्री फोर एंड फाइव अब दूसरे हाथ के एक फिंगर को और काउंट करिए एंड सिक्स फाइव एंड वन सिक्स वन टू एंड थ्री अपनी दोनों हाथों को मिला के आप काउंट करिए ओके वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स और फिर थ्री और काउंट करिए सेवन एट एंड नाइन तो कितने हो गए आंसर नाइन सेवन में हम जीरो ऐड करेंगे ओके चलिए काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सेवन में हम जीरो ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया सेवन नाइन में हम जीरो ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा नाइन थ्री प्लस टू चलिए काउंट करिए वन टू थ्री दो और फोर एंड फाइव फाइव बैलून्स थ्री है थ्री पे जीरो ऐड एड हो रहा है तो थ्री तक ही कौन काउंट करना होगा वन टू एंड थ्री थ्री बैलून्स फिर ये टू बैलून्स टू फिर ये फोर बैलून्स फोर फिर ये फाइव बैलून्स फाइव थ्री प्लस फोर कितने होंगे चलिए दोनों हाथों से काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर और ऐड करना है फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ये हो जाएगा सेवन थ्री प्लस फोर सेवन आपको अपने दोनों हाथों की हर एक फिंगर्स को वन सपोज करना है जैसे ये थ्री बोला ना वन टू एंड थ्री फिर इसमें फोर और ऐड हो रहा है वन टू थ्री एंड फोर तो हो गया सेवन ये फोर एप्पल्स हैं। इसमें हम फोर और एप्पल्स ऐड कर रहे हैं यहां पर हम लिखेंगे फोर और फिर यहां पे भी लिखेंगे हम फोर अपने दोनों हाथों के फिंगर्स पे काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट हो जाएंगे एट ये है फाइव हम यहाँ पे लिखेंगे फाइव ये है टू पे हम लिखेंगे टू फाइव एंड टू हो जाएगा सेवन ये है सिक्स हम यहां पे लिखेंगे सिक्स आप काउंट करिए ये है थ्री काउंट करिए यहां पे हम लिखेंगे थ्री सिक्स एंड थ्री दोनों हाथों के फिंगर्स पे काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन ये हो जाएगा नाइन एड एंड मैच यहाँ पे जोड़ो और यहाँ पे मिलाओ वो चीज कहाँ पे लिखी हुई है जैसे थ्री प्लस टू चलो Use your both hands, दोनों हाथों का इस्तेमाल करो एक हाथ में काउंट करो वन टू एंड थ्री अब एक हाथ में काउंट करो वन एंड टू अब सबको एक साथ बोलो वन टू थ्री फोर फाइव ये हो गया फाइव तो फाइव कहाँ पे है फाइव यहां पे है यहाँ पे मैच हो गया उसी तरह एक हाथ में लिखो फोर और एक हाथ में टू दो उंगलियां निकालो अब सबको साथ में बोलो कितना हुआ सिक्स सिक्स कहां पे है सिक्स है यहां पे उसी तरह थ्री प्लस फोर एक हाथ में थ्री तीन उंगलियां निकालो और एक एक हाथ में चार उंगलियां निकालो सबको साथ में गिनो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सेवन कहाँ पे है सेवन यहाँ पे है एट प्लस जीरो एट प्लस जीरो मीन्स एट आठ ही हुआ आठ कहाँ पे है आठ यहाँ पे है यहाँ पे ऐसे मैच हो गया सिक्स प्लस थ्री नाइन नाइन कहाँ पे है नाइन यहाँ पे है टू प्लस वन कितना हुआ थ्री थ्री कहां पे थ्री यहां पर वन प्लस थ्री फोर फोर ये रहा वन टू थ्री एंड फोर बाकी आपको होमवर्क कर लोगे तो वेरी गुड टू प्लस सेवन इज टू सात आठ और एक नौ नाइन हुआ उसी तरह फाइव सिक्स सेवन एंड एट एट हुआ फोर प्लस जीरो फोर हुआ टू प्लस टू वन टू थ्री फोर फोर हुआ उसी तरह ये आपको होमवर्क कर लोगे तो वेरी गुड थ्री प्लस सिक्स नाइन फाइव प्लस टू सेवन थ्री प्लस थ्री सिक्स काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सिक्स हुआ ना ओके सेम एज एट प्लस ज़ीरो एट हुआ सिक्स प्लस थ्री नाइन सेवन प्लस वन एट थ्री प्लस टू फाइव बाकि आपको होमवर्क कर लोगे तो वेरी गुड मेरी तरफ से आइसक्रीम खाना राइट दी मिसिंग नंबर्स ऐसा नंबर लिखना है जिसका एडिशन जोड़ने पे फाइव आए उसी तरह सेवन आए फोर आए एट आए सिक्स थ्री नाइन एंड वन ऐसा नंबर लिखना है जो जोड़ के ये आए ओके तो हो सकता है थ्री प्लस टू फाइव फाइव प्लस टू सेवन टू प्लस टू फोर फोर प्लस फोर एट या फिर फाइव प्लस थ्री एट ओके थ्री प्लस थ्री सिक्स या फिर फोर प्लस टू सिक्स टू प्लस वन थ्री या फिर थ्री प्लस जीरो थ्री सिक्स प्लस थ्री नाइन फाइव प्लस फोर नाइन वन प्लस जीरो वन ओके सब्सट्रैक्शन यानी घटाना टेक अवे ओके मतलब निकाल देना घटा देना फाइव फ्लावर्स पांच फूल थे टेक अवे टू फ्लावर्स दो फूल उसने अपने फ्रेंड को दे दिए कितने बचे पांच में से दो चले गए तो बचे अब वन टू एंड थ्री लेफ्ट थ्री फ्लावर्स थ्री फ्लावर्स बचे अब उसी तरह फोर लीव्स थे चार पत्तियां थी दो पतियां गिर गई बच्चे कितने वन एंड टू टू लीव्स सेम एज वन टू थ्री थ्री बटरफ्लाईस तीन तितलियां हैं सारी उड़ गई फ्लाई अवे थ्री लेफ्ट जीरो जीरो बटरफ्लाइज यहां पे कितने पेंसिल हैं वन टू थ्री थ्री पेंसिल टेक अवे कितने पेंसिल दे दिए वन वन पेंसिल लेफ्ट हाउ मच पेंसिल वन एंड टू टू पेंसिल है ना थ्री माइनस वन टू सिक्स मग्स छ मग हैं है ना जिसमें से चार फूट गए बचे कितने है सिक्स माइनस फोर टू फाइव फ्रॉग्स आर देयर चार मेढक हैं पांच मेढक हैं जिसमें से दो पानी में कूद गए फाइव फ्रॉग्स आर देयर टू जंप इन द दाइनस दो फाइव माइनस टू इज कल टू हाउ मच कम ऑन टेल मी इफ यू कैन वेरी गुड वन टू एंड थ्री थ्री फाइव माइनस टू इज टू थ्री नाइन लीव सा देर फोर फॉल डाउन हमच लेफ्ट नौ पतियाँ हैं जिसमें से चार टूट के गिर गई कितनी बच्ची वन टू थ्री फोर एंड फाइव Five leaves, nine minus four, five. Five mangoes, है ना पांच आम हैं जिसमें से एक आम बच्ची ने खा ली One minus one है ना कितने बच्चे फाइव माइनस वन equal to one, two, three, four. Four mangoes left. ग्लासेस वन टू थ्री तीनों फुट गए वन टू थ्री तीनों फुट गए तीन ग्लास थे तीनों फुट गए कितने बच्चे जीरो थ्री माइनस थ्री स्क्वल टू जीरो सेवन फ्रूट सा देर सात फल हैं जिसमें से चार खा लिए गए सेवन माइनस फोर हाउ मच लेफ्ट कितने बचे? वन टू थ्री तीन बचे वेरी गुड सिक्स एप्पल्स देयर देर एप्पल्स हैं जिसमें से चार खा लिए गए हाउ मच लेफ्ट सिक्स माइनस फोर इस गल टू वन एंड टू सेवन फ्लावर्स सेवन जिसमें से सारे तोड़ दिए माइनस सेवन है ना सेवन माइनस सेवन कितने बचे जीरो थ्री काउस वन टू एंड थ्री एक चली गई माइनस वन तो कितने बचे वन टू टू फोर बुक्स आप लिखेंगे फोर माइनस थ्री वन टू थ्री थ्री ले लिए गए कितने बच्चे वन है ना फोर माइनस थ्री इजगल टू वन चार में से तीन चले गए तीन चले गए तो एक ही बचा फोर टमाटोज चार टमाटर हैं जिसमें से मैंने एक भी नहीं लिए है ना फोर माइनस जीरो तो कितने बचे चार थे मैंने नहीं लिए एक भी तो चार ही बचे फोर फोर माइनस ज़ीरो फोर ये तीन है जिसमें से दो मैंने ले लिए है ना वन टू थ्री दो मैंने ले लिए थ्री माइनस टू तीन थे दो मैंने ले लिए तो कितने बचे? वन एक बचा है ना तीन से दो ले लिए एक बचा? वेरी गुड फाइव डॉट्स पांच बिंदु हैं जिसमें से चार मैंने मिटा दिए कितने बचे? वन है ना वन टू थ्री फोर एंड फाइव इसमें से पाँच चार मैंने मिटा दिए तो एक बचा है ना वेरी गुड सिक्स डॉट्स हैं जिसमें से दो मैंने मिटा दिए तो कितने बचे वन टू थ्री एंड फोर चार डॉट्स बचे चार लिखेंगे यहाँ पे भी नाइन डॉट्स हैं जिसमें से पांच मैंने मिटा दिए तो कितने अब? One, two, बचे अब वन टू थ्री एंड फोर चार डॉट्स बचे है ना चार लिखेंगे यहाँ पे भी ये चार डॉट्स हैं सबको मैंने मिटा दिया अब कितने बचे जीरो फोर माइनस फोर जीरो ये एट डॉट्स हैं, जिसमें से थ्री मैंने मिटा दिए, कितने बचे काउंट करो वन टू थ्री फोर एंड फाइव पांच बचे फाइव एट माइनस थ्री स्कल टू फाइव यहाँ पे भी लिखेंगे फाइव वेरी गुड सब्सट्रैक्ट एंड मैच घटाओ और मिलाओ फोर माइनस टू चार थे दो हट गए तो कितने बचे दो अपने फिंगर्स पे काउंट करो कम चार फिंगर निकालो अब उसमें से दो फिंगर हटा दो कितने बचे दो सेम एस सेवन माइनस टू सेवन फिंगर्स निकालो अब उसमें से दो हटा दो कितने बचे फाइव नाइन माइनस वन नाइन फिंगर में से एक हटा दो कितने बचे एट वेरी गुड फाइव माइनस फोर कितना होता है चलिए बताइए वन उसी तरह फाइव माइनस वन कितना होगा चलिए फाइव फिंगर्स निकालिए अब उसमें से एक रख दीजिए कितने होंगे फोर फाइव माइनस वन फोर बाकी सब आप होमवर्क में कर लीजिएगा कर लीजिएगा तो वेरी गुड फोर माइनस टू चार उंगलियाँ निकालिए अब उसमें से दो रख दीजिए कितने बचे टू फाइव फिंगर्स में से टू रख दीजिए कितने बचे थ्री अब सेवन फिंगर्स निकालिए सातों रख दीजिए कितने बचेंगे जीरो एट माइनस फोर आठ में से चार हट रख दीजिए बचे कितने चार थ्री फिंगर्स में से एक फिंगर रख दीजिए कितने बचे वन एंड टू ये होता है बाकी आपको होमवर्क वेरी गुड इफ यू कैन टू माइनस जीरो दो में से जीरो घटाइए दो होगा as, में से सेवन माइनस करिए नाइन फिंगर्स निकालिए अब उसमें से सेवन फिंगर्स रख दीजिए कितने बचे वन एंड टू टू फिंगर्स फिंगर्स में से कोई भी फिंगर मत हटाइएगा कितने बचेंगे वन टू एंड थ्री अब एट फिंगर में से एट फिंगर हटा दीजिए कितने बचे जीरो ये बाकी आपको होमवर्क कम ऑन यू कैन वेरी गुड राइट दी मिसिंग नंबर्स जो नंबर्स पे मिसिंग है हमें उन्हें लिखना है ओके एट माइनस टू सेवन एट फिंगर्स निकालो ओके okay? अब उसमें से कितने फिंगर्स हटाओगे सेवन फिंगर्स काउंट होगे तो वन फिंगर्स हटाएंगे तो है ना एट माइनस वन इजल टू सेवन उसी तरह फाइव माइनस वॉट इजगल टू वन पांच में से क्या हटाएं जो एक आए फाइव फिंगर्स है मुझे एक लाना है कितने फिंगर हटाने होंगे फोर फिंगर्स है ना फाइव माइनस वन इज इजगल टू फोर थ्री माइनस वॉट थ्री ही आए तीन में से कितने हम फिंगर्स हटाएँ कि तीन ही आए एक भी नहीं हटाएंगे तीन ही फिंगर रहेंगे जीरो है ना इजल टू थ्री नाइन माइनस टू इजल टू वॉट इसका आंसर दीजिए इफ़ यू कैन वेरी गुड नाइन माइनस टू नाइन फिंगर्स में से टू फिंगर्स हटा दीजिए कितने फिंगर्स बचे सेवन अब यहाँ पे कितने में से टू माइनस करेंगे कि थ्री आए है ना फाइव में से हम टू माइनस करेंगे तो थ्री आएगा अब यहां पे हम कितने में से थ्री माइनस करेंगे कि फाइव आए आप ऐसा करिए यहां पे पहले फाइव फिंगर्स रखिए उसके बाद फिर थ्री फिंगर्स और ले आइए अब सबको साथ में बोलिए कितने होंगे एट यहाँ पे हम एट लिखेंगे यहाँ पे टू में से हम कितने माइनस करेंगे कि ज़ीरो आए दो फिंगर्स रखिए अब उसमें से कितने माइनस करिएगा कि एक भी नहीं आए दो में से दो माइनस कर देंगे तो जीरो हो जाएगा उसी तरह ये एडवांस मेथड था अगर आप समझ पाएंगे तो वेरी गुड सी मैज फिर से बताता हूँ वो एडवांस मेथड। सेवन लाना है मुझे ना? है ना सेवन फिंगर्स रखिए अब उसमें दो और ऐड कर लीजिए तो कितने होंगे नाइन है ना नाइन माइनस टू इसका टू सेवन अगर आप बहुत ब्राइट होंगे तो ही ट्राई करिएगा चलिए वेरी गुड Numbers फ्रॉम टेन टू ट्वेंटी दस से बीस तक के नंबर अ बंडल ऑफ टेन दस का गुच्छा ये चेरी का गुच्छा माचिस का गुच्छा अ बंडल ऑफ टेन ये बनाना का गुच्छा अ बंडल ऑफ टेन Make a ग्रुप ऑफ टेन दस का ग्रुप बनाना हमें ओके एक दिया हुआ है दस का ग्रुप बना लिया बाकी फोर एक्स्ट्रा थे तो दोनों नहीं बनाया आपको ऐसे घेरना है इसमें आपका ये सारा ग्रुप बन जाएगा सिवाय ये दो को छोड़ के इसमें आपका ये सारा ग्रुप बन जाएगा ये तीन को छोड़ के इसमें आपका ये छोड़ के बाकी सब एक टेन का ग्रुप बनाएगा इसमें आपका ये सभी टेन का ग्रुप बनाएगा इन नौ को छोड़ के काउंटिंग फ्रॉम टेन टू ट्वेंटी फिल इन द ब्लैंक्स जो ये ब्लैंक्स हैं हमें उन्हें भरना है नाइन प्लस वन स्कल टू हाउ मच गुड टेन टेन प्लस वन स्कल टू हाउ मच अब आपको एक नया मेथड बताता हूं वो तो फिंगर मेथड था कि फिंगर से कैसे काउंट करते हैं अब ये जो फिंगर्स के बीच में जो डब्बे बने हुए हैं उन्हें one okay? हम उन्हें वन लेंगे ओके हम उन्हें वन मानते हैं ओके okay? अब दस डब्बों को काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन दस डब्बे हो गए अब बोल रहे हैं उसमें एक और डब्बे ऐड करने एक और डब्बा हमें ऐड कर दी तो टोटल कितने हो जाएंगे टेन एंड वन इलेवन तो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेवन उसी तरह टेन डब्बे फिर उसमें हम दो और ऐड कर देते हैं तो कितने हो जाएंगे ट्वेल्व फिर टेन डब्बे टेन डब्बे उसमें हम फिर थ्री ऐड कर लेंगे आपको अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए यूज योर बोथ फिंगर्स एंड यूज बॉक्सेस इन योर फिंगर्स ओके यू कैन सॉल्व इट इजी आराम से सॉल्व हो जाएगा टेन दस बॉक्सेस और फिर उसमें से थ्री बॉक्सेस और ऐड कर दीजिए कितने हो जाएंगे टेन इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन यहाँ पे हम लिखेंगे थर्टीन सीम एस टेन प्लस फोर इज टू फोर्टीन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन टेन प्लस सिक्स दस बॉक्स काउंट करिए फिर दूसरे हाथ में सिक्स बॉक्स और ऐड करिए कितने हो जाएंगे टोटल सिक्सटीन बॉक्सेस सिक्सटीन आंसर टेन प्लस सेवन सेवेंटीन टेन प्लस एट वन एंड एट एटीन टेन प्लस नाइन दस बॉक्सेस और फिर नाइन बॉक्सेस और ऐड करिए कितने हो जाएंगे टोटल नाइनटीन टेन प्लस टेन दस बॉक्सेस फिर दस बॉक्सेस और ऐड करिए कितने हो जाएंगे ट्वेंटी वेरी गुड मेक ए ग्रुप ऑफ टेन एंड राइट नंबर्स दस का एक ग्रुप बनाना है और बाकी जितने बचते हैं हमें उन्हें लिखना है तो ये टेन कितना बार बना रहा है एक टेन का ग्रुप बना रहा है और कितना बच रहा है वन टू एंड थ्री थ्री बच रहा है थ्री वंस क्योंकि हम ऐसे इसे ऐसे बोलते हैं वंस और ये टेंस वंस में थ्री टेंस में वन ये टोटल है फिफ्टीन तो टेंस के प्लेस पे कौन आ रहा है बताओ वंस एंड टेंस टेंस के प्लेस पे आ रहा है वन वन्स के प्लेस पे आ रहा है फाइव वेरी गुड ये है एटीन वन्स के प्लेस पे कौन आ रहा है और टेंस के प्लेस पे कौन आ रहा है एटीन है तो वन्स के प्लेस पे एट आ रहा है और टेंस के प्लेस पे वन आ रहा है ये है टोटल नाइनटीन वन्स के प्लेस पे कौन आ रहा है नाइन टेंस के प्लेस पे वन वेरी गुड ये टोटल है इलेवन वंस के प्लेस पे कौन आ रहा है वन और टेन के प्लेस पे वन ये है सिक्सटीन वंस के प्लेस पे कौन आ रहा है सिक्स और टेन के प्लेस पे वन ये है थर्टीन वंस के प्लेस पे कौन आ रहा है थ्री टेन के प्लेस पे वन ये टोटल आ रहा है फोर्टीन वन के प्लेस पे फोर टेन के प्लेस पे वन वेरी गुड कंप्लीट टेबल को कंप्लीट करना है वन टेन इज टू टेन वन टेन एंड वन दस और एक ग्यारह इलेवन इलेवन लिखेंगे सब सब में वन टेन प्लस टू दस और दो और ऐड करिए कितने होंगे टोटल वन एंड टू ट लिखेंगे ईच एंड एवरी बॉक्सेस में वन टेन एंड थ्री वंस टेन और थ्री और ऐड कर दीजिए कितने होंगे थर्टीन थर्टीन लिखेंगे हम वन टेन एंड फोर वंस टेन में हम चार और ऐड कर देते हैं तो कितने होंगे 14. 14 लिखेंगे हम और सारे बॉक्सेस में 14 लिखना होगा और ऐसा ही आपको ऊपर के सारे बॉक्सेस में भी करना है जितना नंबर आता है वन टेन एंड फाइव वंस एक दस और पाँच टेन प्लस फाइव फिफ्टीन तो हम लिखेंगे फिफ्टीन राइट right, 15 इन ईच एंड एवरी बॉक्सेसन वेरी गुड 16 दस में हम 6 करेंगे 16 हो जाएगा हम 16 लिखेंगे सब में दस में हम सात ऐड करेंगे 17 हो जाएगा 17 लिखेंगे हम सब में दस में हम आठ ऐड कर देंगे 18 हो जाएगा 18 लिखेंगे हम सब में दस में हमें हम नाइन ऐड करेंगे नाइनटीन हो जाएगा यहाँ पे हम सब में नाइनटीन लिखेंगे दस में हम दस ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ट्वेंटी यानी टू टेंस दो बार दस इसका टू ट्वेंटी तो ट्वेंटी हम हम सब में लिखेंगे टिक दी ग्रुप विथ मोर ऑब्जेक्ट्स जिस ग्रुप में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं हमें उस पर टिक लगाना है ओके okay? चलो काउंट करो इसमें है कितने बताओ काउंट फास्ट इसमें है फोर्टीन और इसमें है थर्टीन कौन ज्यादा हुआ ये तो हम इस पर टिक लगाएंगे इस पर काउंट करो कितने हैं में है फोर्टीन इसमें है सिक्सटीन तो कौन ज्यादा हुआ ये तो हम इस पर टिक लगाएंगे चलो ऑन फास्ट ये दोनों आपको होमवर्क है कर पाओगे तो वेरी गुड इसमें है फिफ्टीन इसमें है इलेवन तो कौन ज्यादा हुआ बताइए आपको ये होमवर्क है इसमें है सिक्सटीन और इसमें है उन्नीस तो कौन ज्यादा हुआ ऑन फर्स्ट ये आपको होमवर्क है ज्वाइन इन ऑर्डर ऑर्डर में ज्वाइन करना है जैसे वन के बाद टू आता है टू के बाद थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइनटीन इलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी कौन सा नंबर बनता है फाइव वेरी गुड राइट दी मिसिंग नंबर्स मिसिंग नंबर जो नहीं लिखे हुए नंबर मिसिंग है उन्हें लिखना है तो टेन के बाद क्या आता है बताओ टेन के बाद आता है इलेवन, फिर ट्वेल्व फिर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन देन वॉट कौन टेल मी फास्ट, इफ़ यू कैन वेरी गुड सिक्सटीन सेवेंटीन, एटीन एंड नाइनटीन नाइनटीन के बाद क्या आता है बताओ इफ यू कैन वेरी गुड नाइनटीन के बाद आता है ट्वेंटी ये है सिक्सटीन 16, सिक्सटीन 16, 16 के बाद सेवेंटीन देन एटीन थर्टीन के बाद फोर्टीन देन फिफ्टीन What कम्स आफ्टर एटीन एटीन के बाद क्या आता है एटीन अठारह एटीन के बाद आता है नाइनटीन देन ट्वेंटी वाट कम्स आफ्टर फोर्टीन फोर्टीन के बाद क्या आता है बताओ फोर्टीन चौदह के बाद आता है फिफ्टीन देन सिक्सटीन चौदह पंद्रह सोलह वाट कम्स बिफोर सिक्सटीन सोलह के पहले क्या आता है बताओ सोलह के पहले आता है पंद्रह फिफ्टीन 15, 16 एंड 17. राइट नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर 9. नाइन से पहले और फिर बाद में लिखना है What comes बिफोर 16? 16 से पहले क्या दर, क्या आता है बताइए 16 से पहले आता है 15, 15, 16 एंड 17. आप काउंट करके इसे निकाल सकते हैं इसका सॉल्यूशन राइट नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर नाइन नाइन से पहले और फिर बाद में क्या आता है बताइए काउंट करिए देन नाइन नाइन देन वॉट ऑन टेल मी फास्ट इफ यू कैन वेरी गुड नाइन के बाद आता है टेन राइट नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर एटीन एटीन से पहले और बाद में क्या आता है बताइए एटीन से पहले आता है सेवनटीन देन एटीन देन नाइनटीन वेरी गुड राइट नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर टेन टेन्थ से पहले और फिर बाद में क्या आता है बताइए टेन्थ से पहले आता है नाइन देन टेन देन इलेवन वेरी गुड सर्कल दी बिगर नंबर इन दोनों में जो बड़ा नंबर है हमें उस पर सर्कल करना है एलेवन और थर्टीन में थर्टीन बड़ा है थर्टीन और फिफ्टीन में, में कौन बड़ा है बताइए फिफ्टीन बड़ा है फिफ्टीन पे सर्कल करेंगे एटीन एंड एट में कौन बड़ा है विच इज़ बिगर एटीन एटीन पे सर्कल करेंगे ट्वेल्व एंड एट में Which is bigger? 12 is bigger. 12 पे सर्कल करेंगे 7 and 17 में कौन बड़ा है सेवनटीन पे सर्कल करेंगे इलेवन एंड टेन में कौन बड़ा है तो टेन के, के, के बाद आता है टेन के बाद आता है इलेवन इलेवन बड़ा हुआ इलेवन पे सर्कल करेंगे 16 and 6 में कौन बड़ा है 16 बड़ा है वेरी गुड वन एंड एलेवन में विच इज बिगर इलेवन इज बिगर एलेवन पे सर्कल करेंगे नाइन एंड नाइनटीन में विच इज़ बिगर ये आपको होमवर्क है इफ़ यू कैन वेरी गुड आई नो यू कैन सर्कल दी स्मॉलर नंबर जो छोटा नंबर है स्मॉलर है उस पर सर्कल करना है ट्वेंटी एंड टेन में विच इज़ स्मॉलर टेन इज स्मॉलर तो टेन पे सर्कल हुआ सिक्स एंड फोर में विच इज स्मॉलर फोर इज स्मॉलर फोर आता है पहले सिक्स से तो से फोर इज स्मॉलर टेन एंड ट्वेल्व में विच इज स्मॉलर टेन इज स्मॉलर टेन पहले आता है ट्वेल्व से तो स्मॉलर हो गया एलेवन एंड नाइन में विच इज स्मॉलर नाइन इज स्मॉलर इलेवन से आप इसे ऐसे समझिए आपके पास फाइव टॉफी है और किसी के पास फिफ्टीन टॉफी है तो आप किसके पास सबसे कम है तो फाइव जिसके पास है उसके पास कम है तो फाइव सर्कल करेंगे आप ट्वेल्व एंड टू में विच इज स्मॉलर कौन छोटा होगा टू सिक्सटीन एंड सेवनटीन में कौन छोटा होगा सिक्सटीन छोटा होगा सेवेंटीन से नाइन एंड टेन में नाइन फिफ्टीन एंड थर्टीन में विच इज स्मॉलर कम मी दिस इज होमवर्क फॉर यू सर्कल द बिगेस्ट नंबर जो बड़ा नंबर है हमें उस पर सर्कल करना है थर्टीन थ्री एंड नाइन थर्टीन बड़ा हुआ तो थर्टीन पे सर्कल करेंगे ट्वेल्व फिफ्टीन एंड ट्वेंटी वही कॉन्सेप्ट लगाइए ट्वेल्व टॉफी है आपके पास फिफ्टीन टॉफी टॉफी है एंड ट्वेंटी टॉफीज़ है तो सबसे ज़्यादा टॉफीज़ किस कौन सी है तो बीस ट्वेंटी ट्वेंटी टॉफी सबसे ज़्यादा हुई ना बिगेस्ट ये है तो ट्वेंटी पे हम सर्कल करेंगे सेम एस टेन फिफ्टीन एंड ट्वेल्व पे ट्वेल्व बिगेस्ट है ट्वेल्व पे सर्कल करेंगे 11 ट्वेल्व एंड थर्टीन पे थर्टीन इज़ बिगेस्ट नाइनटीन एटीन एंड सेवेंटीन पे नाइनटीन इज बिगेस्ट थर्टीन सिक्सटीन एंड फोर्टीन दिस इज होमवर्क फॉर यू सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर जो सबसे छोटा नंबर है हमें उस पर सर्कल करना है सेम कॉन्सेप्ट सेवन टॉफीज टू टॉफीज एंड फोर टॉफीज बताइए सबसे कम टॉफीज स्मॉलेस्ट कौन सा है टू टू पे सर्कल हुआ 14, सिक्सटीन एंड 12. कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है कम है ट्वेल्व फिफ्टीन सेवन एंड ट्वेंटी पे सेवन स्मॉलेस्ट है नाइन एट एंड नाइनटीन पे नाइन स्मॉलेस्ट है वन टेन एंड ट्वेंटी पे वन स्मॉलेस्ट है सिक्सटीन फिफ्टीन एंड फोर्टीन पे ये आपको होमवर्क है मैं आपको हिंट देता हूँ सिक्सटीन टॉफीज़ है आपके पास फिफ्टीन टॉफीज हैं और फोर्टीन टॉफिस है तो कौन से सबसे कम है स्मॉलेस्ट है गेस ऑन आई नो यू कैन वेरी गुड एडिशन ऐड करना है हमें ऑन काउंट एक फिंगर एक हैंड में फोर फिंगर्स निकालिए और एक फिंगर्स में एक हैंड में फाइव फिंगर्स अब सबको साथ में बोलिए कितने होंगे नाइन वेरी गुड एक हैंड में फाइव फिंगर्स निकालिए और दूसरे हाथ में टू फिंगर्स कितने हुए टोटल काउंट करिए सबको सेवन वेरी गुड सेम एस थ्री और एक भी नहीं जीरो तो होंगे थ्री सिक्स प्लस टू फिंगर्स एंड टू दोनों हैंड्स को यूज करिए सिक्स फिंगर निकालिए और फिर टू फिंगर्स और निकालिए अब सबको साथ साथ में काउंट करिए कितने होंगे एट सिक्स प्लस टू एट फाइव प्लस जीरो फाइव सेवन प्लस वन एट वेरी गुड 8 प्लस सिक्स फोर्टीन टवेल्व प्लस फाइव सेवेंटीन अब इसमें आप जो फिंगर्स के बॉक्सेस हैं उन्हें यूज करिए उन्हें वन ट्रीट करिए वन मानिए ओके यूज योर बोथ हैंड्स eight बॉक्सेस प्लस seven बॉक्सेस फिंगर्स के eight बॉक्सेस काउंट करिए eight और फिर seven बॉक्सेस और काउंट करिए अलग से दूसरे हाथ में तो कितने हो जाएंगे फिफ्टीन नाइन बॉक्सेस एंड नाइन बॉक्सेस कितने हो जाएंगे काउंट करिए कमऑन यू कैन कम ऑन फास्ट वेरी गुड नाइन प्लस नाइन एटीन एट प्लस फाइव हाउ मच आठ बॉक्सेस फिर फाइव बॉक्सेस और अलग से काउंट करिए अब सबको साथ में काउंट करिए कितने हो जाएंगे थर्टीन वेरी गुड सिक्स प्लस सेवन थर्टीन वेरी गुड इलेवन प्लस फाइव सिक्सटीन फोर प्लस ट्वेल्व कमान बॉक्सिस को काउंट करिए कितने होंगे सिक्सटीन थर्टीन प्लस फाइव कितने होंगे कमॉन कमॉन एटीन वेरी गुड फोर्टीन बॉक्सेस उसमें एक भी बॉक्सेस नहीं जोड़ना और फोर्टीन बॉक्सेस तो फोर्टीन ही बॉक्सेस होंगे फाइव प्लस नाइन फोर्टीन सेवन प्लस एट हाउ मच सेवन बॉक्सेस और फिर एट बॉक्सेस और अलग से अब सबको साथ में काउंट करेंगे तो कितने होंगे फिफ्टीन वेरी गुड फाइव बॉक्सेस और फाइव बॉक्सेस कितने हो जाएंगे टेन बॉक्सेस वेरी गुड ट्वेल्व बॉक्सेस प्लस सेवन बॉक्सेस कितने हो जाएंगे नाइनटीन बॉक्सेस वेरी गुड राहुल हैज सेवन पेंसिल्स सोनू हैज सेवन पेंसिल्स है ना राहुल हैज एट पेंसिल्स एंड सोनू हैज सेवन पेंसिल्स हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे हैव टू ऑल टुगेदर राहुल आपका एक फ्रेंड है सपोज मानिए राहुल एक आपका फ्रेंड उसके पास आठ पेंसिल्स है सोमू आपका एक और फ्रेंड उसके पास सात पेंसिल है सेवन उन दोनों को मिला के कितनी पेंसिल्स हैं टू ऑल टूगेदर चलिए काउंट करिए अपने बॉक्स मैथड से एट बॉक्सेस निकालिए फिर सेवन बॉक्सेस अलग से सबको साथ में काउंट करिए कितने हो जाएंगे फिफ्टीन वेरी गुड आप पॉज भी कर सकते हैं मेरे आंसर देने से पहले और केवल आप अपना आंसर मैच करिए मेरे से फरीद प्लग्ड फोर एप्पल्स सीता प्लग्ड सिक्स एप्पल्स बोथ

और निकालिए तो कितने हो जाएंगे सबको साथ में काउंट करिए टेन बॉक्सेस वेरी गुड सेवन माइनस फोर सात बॉक्सेस निकालिए अब उसमें से फोर बॉक्सेस हटा दीजिए वन टू थ्री एंड फोर कितने बॉक्सेस बचेंगे थ्री वेरी गुड टू बॉक्सेस निकालिए या टू फिंगर्स निकालिए और दोनों फिंगर हटा दीजिए तो कितने फिंगर अब है जीरो ये नाइन बॉक्सेस निकालिए अब उसमें से एट बॉक्सेस हटा दीजिए कितने हो जाएंगे वन सिक्स बॉक्सेस में से टू बॉक्सेस हटा दीजिए कितने होंगे टेल मी वेरी फास्ट फोर वेरी गुड एट माइनस फोर मच आठ बॉक्सेस निकालिए अब उसमें से चार बॉक्सेस हटा दीजिए कितने होंगे फोर सिक्स बॉक्सेस अपने फिंगर्स में काउंट करिए फिंगर में बॉक्सेस बने हैं ना आपके तो उसे काउंट करिए वन बॉक्स टू बॉक्स थ्री बॉक्स फोर बॉक्स फाइव बॉक्स एंड सिक्स बॉक्स अब उसमें से फाइव बॉक्स हटा दीजिए वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव हट गया कितना बॉक्स बचा आपके पास वन बॉक्स वन आंसर फोर बॉक्स में से कोई भी बॉक्स नहीं हटाइए कितने बचे फोर वेरी गुड सेवनटीन माइनस फाइव ट्वेल्व फिफ्टीन बॉक्सेस निकालिए और उसमें से फोर बॉक्सेस हटा दीजिए कितने होंगे इलेवन सेम एज इनटीन बॉक्सेस में से सेवन बॉक्सेस हटा दीजिए कितने बचेंगे टूवेल्व वेरी गुड सेवनटीन बॉक्सेस में से टू बॉक्सेस हटा दीजिए कितने होंगे फिफ्टीन टवेल्व बॉक्सेस में से वन बॉक्सेस हटाएंगे तो कितने होंगे इलेवन वेरी गुड एटीन बॉक्सेस निकालिए अब उसमें से एट हटा दीजिए काउंट करिए फिर कितने होंगे टेन बॉक्सेस वेरी गुड सेवेंटीन बॉक्सेस माइनस फाइव बॉक्सेस सेवनटीन बॉक्सेस काउंट करिए अब उसमें से फाइव बॉक्सेस हटा दीजिए कितने होंगे ट्वेल्व वेरी गुड इलेवन बॉक्सेस में से वन बॉक्सेस हटा दीजिए कितने होंगे टेन फोर्टीन बॉक्सेस में से थ्री बॉक्सेस हटा दीजिए कितने होंगे इलेवन 12 बॉक्सेस में से फोर बॉक्सेस हटा दीजिए कितने होंगे वन फास्ट काउंट इट एट वेरी गुड थर्टीन बॉक्सेस में से एक भी बॉक्स नहीं हटाइए कितने होंगे थर्टीन 17 बॉक्सेस में से फोर बॉक्सेस हटा दीजिए कितने होंगे थर्टीन एटीन बॉक्सेस में से थ्री बॉक्सेस हटा देंगे तो फिफ्टीन वेरी गुड फिफ्टीन बॉक्सेस में से फाइव बक्सेस हटा देंगे तो टेन बॉक्सेस वेरी गुड नाइनटीन बॉक्सेस में से एट बॉक्सेस हटा देंगे तो इलेवन बॉक्सेस फोर्टीन में से फोर बॉक्सेस हटा देंगे तो टेन बॉक्सेस थर्टीन में से सिक्सटीन बॉक्स सिक्स बॉक्स हटा देंगे तो सेवन बॉक्सेस वेरी गुड सोहन मदर बॉट नाइन बनानास फ्रॉम द मार्केट शी गिव फोर टू सोहन हाउ मेनी बनानास वॉज शी लेफ्ट विथ सोहन की मम्मी ने नौ बनाना नौ केले खरीदे और चार केले सोहन को खाने के लिए दे दिए तो कितने बनाना बच्चे नौ बनाना में से नाइन माइनस फोर बनाना चार के लिए नौ खरीदे थे चार दे दिए कितने बच्चे नौ बॉक्सेस निकालिए अब उसमें से तो फोर बॉक्सेस हटा दीजिए कितने होंगे मन फास्ट टेल मी वेरी गुड फाइव बॉक्सेस रहीम had eight flowers. He put three flowers in a vase. How many flowers was he left with? रहीम के पास आठ फूल थे eight flowers. उसमें से three flowers, तीन फूल उसने वॉश में फ्लावर पॉट में रख दिए अब उसके पास कितने बच्चे हाउ मैनी लेफ्ट तो एट माइनस थ्री स्कल टू आठ बॉक्सेस निकालिए अब उसमें से थ्री बॉक्सेस हटा दीजिए कितने होंगे फाइव वेरी गुड एडिशन प्रैक्टिस ऐड करना है जोड़ना है हमें उसी तरह हम अपने फिंगर कि जो भी बॉक्सेस हैं उन्हें यूज करके गिनेंगे काउंट करेंगे ओके वन टू थ्री थ्री बॉक्सेस फिर सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब सबको काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन ये हो गया टेन उसी तरह फाइव प्लस एट फाइव बॉक्सेस फिर एट बॉक्सेस कितने हो जाएंगे टोटल काउंट करिए कमॉन फास्ट थर्टीन बॉक्सेस वेरी गुड सेम एज सिक्स प्लस एट इज गर्ल टू हाउ मच सिक्स बॉक्सेस काउंट करिए फिर एट बॉक्सेस काउंट करिए सबको एक साथ काउंट करिए कितने होंगे मॉन मी फोर्टीन वेरी गुड नाइन प्लस नाइन इज्क्ल टू एटीन वेरी गुड सेवन प्लस सिक्स इज्क्ल टू थर्टीन नाइन बॉक्सेस प्लस टू बॉक्सेस इज कल टू इलेवन एट बॉक्सेस प्लस सेवन बॉक्सेस इज कल टू हाउ हच कमॉन मी, फिफ्टीन वेरी गुड फोर बॉक्सेस प्लस एट बॉक्सेस कितने होते बताइए ट्वेल्व वेरी गुड सब्सट्रैक्शन प्रैक्टिस घटाना है हमें थर्टीन बॉक्सेस में से सेवन बॉक्सेस माइनस करना है यूज योर बोथ हैंड्स एंड दी बॉक्सेस इन योर फिंगर्स अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करिए और उंगलियों में जो जो जितने भी बॉक्सेस हैं उनको यूज़ करिए थर्टीन बॉक्सेस काउंट करिए फिर उसमें से सेवन बॉक्सेस माइनस कर दीजिए कितने होंगे सिक्स बॉक्सेस वेरी गुड फिफ्टीन बॉक्सेस में से थ्री बॉक्सेस माइनस करेंगे तो कितने होंगे ट्वेल्व वेरी गुड नाइनटीन बॉक्सेस में से सिक्स बॉक्सेस माइनस करेंगे तो कितने होंगे थर्टीन बॉक्सेस वेरी गुड सेवनटीन बॉक्सेस में से फोर बॉक्सेस माइनस करेंगे तो कितने होंगे थर्टीन वेरी गुड सिक्सटीन बॉक्सेस में से सिक्स माइनस करेंगे तो हाउ मच वी गेट टेन वेरी गुड आप मुझे पॉज भी कर सकते हैं जब तक आप कैलकुलेट ना कर ले और फिर मेरे आंसर से आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं ट्वेल्व माइनस जीरो बारह बॉक्सेस है उसमें से एक भी नहीं हटाया कितने बचे टूवेल्व वेरी गुड फोर्टीन माइनस थ्री हाउ मच इलेवन एटीन माइनस सेवन अट्ठारह बॉक्सेस में से सेवन बॉक्सेस हटा दीजिए कितने बचेंगे काउंट काउंटेड कमऑन फास्ट इलेवन वेरी गुड टाइम यानी समय संपदा डे संपदा ये लड़की है इसका दिन कैसे बीतता है आइए देखते हैं अप ईट ब्रेकफास्ट रीड अ स्टोरी इन स्कूल उठती है ब्रेकफास्ट करती है फिर स्कूल में एक स्टोरी पढ़ती है ईट लंच प्ले, स्टडी एंड देन गो टू बेड लंच करती है खेलती है पढ़ती है और फिर वो सो जाती है हम कब उठते हैं जब सूरज उग जाता है तब फिर धो धोके ब्रेकफास्ट करते हैं फिर स्कूल को जाते हैं जब दोपहर हो जाती है तब लंच करते हैं फिर अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं फिर शाम हो जाती है तब हम थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं थोड़ा सा या बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा करना चाहिए उसके बाद फिर हम सो जाते हैं टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द मॉर्निंग उन एक्टिविटीज काम को टिक करिए जो आप सुबह सुबह करते हैं सुबह सुबह आप नहाते हैं टिक करिए सुबह सुबह आप पढ़ते हैं, सुबा सुबा पढ़ते हैं तो टिक करिए सुबह सुबह आप खाते हैं तो टिक करिए सुबह सुबह आप अपना मु धोते हैं तो टिक करिए टिक दी एक्टिविटीज दैट यू डू इन द इवनिंग उन कामों को टिक करिए जो आप शाम में करते हैं नहाना आप शाम को नहाते हो खेलना आप शाम को खेलते हो स्कूल जाना आप स्कूल जाते हो क्या शाम में और फिर सोना क्या शाम को सो जा सो जाते हो टिक दी एक्टिविटीज दैट यू डू इन डे उन एक्टिविटीज कामों को टिक करिए जो आप दिन में करते हैं पूरे दिन में मुंह धोना बाहर जाना खाना और नहाना जो जो आप करते हैं टिक करो टिक दी एक्टिविटीज़ दैट यू डू एट नाइट उन एक्टिविटीज को आप टिक करो जो आप रात को करते हो सोना पढ़ना बाहर जाना स्कूल जाना सपने देखना नंबर थी एक्टिविटीज इन सीक्वेंस, कामों को उनके कर्म में लगाइए सीक्वेंस मीन्स पहले क्या आ रहा है उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे रोटी बेला जा रहा है खाया जा रहा है आग जलाया जा रहा है गूथा जा रहा है पानी डाला जा रहा है और आटा जा डाला जा रहा है तो पहले क्या होगा बताइए पहले हम आटा डालते हैं फिर उसमें पानी डालते हैं फिर गूंथते हैं वन फिर ये टू फिर ये थ्री फिर उसे बेलते हैं फिर आग जलाते हैं और रोटी पकाते हैं उसके बाद खाते हैं फोर फाइव एंड सिक्स वेरी गुड क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है थोड़े से ध्यान लगा के देखिएगा टिक दी एक्टिविटी दैट विल टेक लॉन्गर उस एक्टिविटी उस काम पे आप टिक करिए जो ज्यादा समय लगाएगा आप हाथ से पानी भरोगे बाल्टी में या फिर मशीन जल्दी भर के आपको पानी देगा कौन ज्यादा समय लगाएगा हाथ से भरना तो इसे हम टिक करेंगे पैदल चलना या फिर साइकिल से चलना आप आपका समय किस में ज़्यादा लगेगा पैदल चलने में पैदल चल के स्कूल जाओगे तो ज़्यादा देर लगेगा साइकिल से स्कूल स्कूल जाओगे तो कम देर लगती है उसी तरह पैदल चलना ज़्यादा देर लगेगा था तो हम इस पर टिक लगाएंगे मेजरमेंट नापना आप अपना हाइट और अपने दोस्त का हाइट नापते हो ना कौन छोटा है कौन बड़ा वही चीज है मेजरमेंट नापना माप लेना लॉन्गर एंड शॉर्टर शॉर्टर ये है लॉन्गर शॉर्टर पेंसिल है ये ये लॉन्गर पेंसिल है लॉन्गर स्टेयर्स शॉर्टर स्टेयर्स लंबी सीढ़ी छोटी सीढ़ी टिक दी लॉन्गर जो लंबा है लॉन्गर है हमें उस पर टिक करना है ये लॉन्गर है ये लंबा है इन दोनों में से कौन लॉन्गर है कौन लंबा है ये लॉन्गर है ये लंबा है इस पर टिक करेंगे टिक दी शॉर्टर शॉर्टर यानी छोटा कौन छोटा है इन दोनों में से ये शॉर्टर है ये छोटा है इस पर टिक करेंगे और इन दोनों में से ये छोटा है ये शॉर्टर है हम इस पर टिक करेंगे वेरी गुड लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट यानी लंबा और छोटा लॉन्गेस्ट लंबा है शॉर्टेस्ट छोटा है टिक दी लॉन्गेस्ट जो सबसे लंबा है उस पर टिक करना है तो इन तीनों में सबसे लंबा कौन है ये लंबा है तो हम इस पर टिक करेंगे इन तीनों में कौन लॉन्गेस्ट है कौन सबसे लंबा है ये सबसे लॉन्गेस्ट है ये सबसे लंबा है हम इस पर टिक करेंगे इन तीनों में सबसे शॉर्टेस्ट शौर, कौन सा है टिक दी शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा ये सबसे शॉर्टेस्ट है इस पर टिक करेंगे डॉलर शॉर्टर डॉलर यानी लंबा शॉर्टर यानी छोटा टॉलर ये टॉलर जीरा जीराफ है शॉर्टर ये शॉर्टर जीराफ है टॉलर ये टॉलर मैन है शॉर्टर ये शॉर्टर मैन है यानी छोटा और ये है लंबा टिक दॉलर टॉलर यानी लंबा जो लंबा है इन दोनों में से कौन लंबा है ये टॉलर है ये लंबा है हम इस पर टिक करेंगे अब इन दोनों में से ये टॉलर है ये लंबा है हम इस पर टिक करेंगे वेरी गुड टिक दॉर शॉर्टर यानी छोटा इन दोनों में से कौन सा शॉर्टर है ये शॉर्टर है।, है ये छोटा है ये हम इस पर टिक करेंगे इन दोनों में से कौन सा शॉर्टर है छोटा कौन सा है ये शॉर्टर है हम इस पर टिक करेंगे वेरी गुड टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट टॉलेस्ट यानी लंबा शॉर्टेस्ट यानी छोटा टॉलेस्ट यानी लंबा शॉर्टेस्ट यानी छोटा Take the tallest. टॉलेस्ट यानी सबसे लंबा इनमें इन तीनों में से कौन सा है ये सबसे टॉलेस्ट है ये सबसे लंबा है हम इस पे टिक करेंगे टिक short, shortest. इन तीनों में से शॉर्टेस्ट यानी मोटा कौन सा है ये शॉर्टेस्ट शौ, है ये सबसे छोटा है हम इस पर थिनर। थिनर थोड़ा सा मोटा होता है थिकर थोड़ा सा मोटा होता है और थिनर पतला ये है थिकर एंड ये है थिनर, टिक दी थिकर थिकर यानी मोटा मोटा इन दोनों में से कौन सा है दिस इज थर ये मोटा है हम इस पर टिक करेंगे इन, दो, इन दोनों में से कौन सा थिकर है कौन सा मोटा है ये थिकर है ये मोटा है हम इस पर टिक करेंगे वेरी गुड टिक दिनर थीनर यानी पतला इन दोनों में से कौन सा थीनर है ये थिनर है ये पतला है हम इस पर टिक करेंगे अब इन दोनों में से कौन सा थिनर है कौन सा पतला है ये पतला है हम इस पर टिक करेंगे दिस इज थिनर वेरी गुड थिकेस्ट एंड थिनेस्ट थिकेस्ट यानी मोटा और थिनेस्ट यानी पतला हमें कभी कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है Thickest मतलब क्या और थिनेस्ट मतलब क्या तो याद रखिए thin यानी पतला, thinnest यानी पतला एक याद रखिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाता है थिकेस्ट मोटा थिनेस्ट यानी पतला थिकेस्ट पेपर एंड थिनेस्ट पेपर टिक thickest. Paper and thinnest paper. यानी सबसे मोटा थिकेस्ट ये पेंसिल ये पेंसिल या फिर ये पेंसिल कौन आपको सबसे ज्यादा मोटा दिख रहा है यस यू आर राइट ये पेंसिल वेरी गुड लेट्स मूव फॉरवर्ड टेक थिनेस्ट थिनेस्ट यानी पतला थिन थिनेस्ट यानी पतला इन सब ब्रशों में आपको सबसे थिनेस्ट कौन सा ब्रश दिख रहा है ये ब्रश पतला है क्या नहीं ना ये ब्रश पतला है ये ब्रश ये ब्रश सबसे ज्यादा पतला है। तो ये सबसे थिनेस्ट हो गया तो हम इस पर टिक करेंगे वेरी गुड हेवियर एंड लाइटर हैवियर यानी भारी लाइटर यानी कम वजन का हल्का फुल्का हेवियर ये कद्दू ज्यादा हैवी है इस टमाटर से लाइटर है ये यहां थी एलिफेंट ज्यादा हेवियर है, है इस एंट से जो कि लाइटर है टिक दी लाइटर जो हल्का है उसे टिक करना है शर्ट में और ये लॉक में कौन ज्यादा हल्का होगा लाइटर होगा ये लाइटर होगा हम इस पर टिक करेंगे इस छोटे सिलेंडर में और ये बड़े बड़े सिलेंडर में कौन सा लाइटर होगा ये लाइटर होगा हम इस पर टिक करेंगे टिक दी है यानी भारी हेवियर जो हैवियर है जो हैवी है हमें उस पर टिक करना है ये काइट जो कि पेपर का बनता है और ये काइट का इक्विपमेंट जो कि लकड़ी और धागे से बना है तो इनमें से ज्यादा हैवी भारी कौन सा होगा ये वाला होगा हम इस पर टिक करेंगे ये वेल में और ये छोटी सी फिश में कौन सा हैवियर है व्हील हैवी होगा हम इस पर टिक करेंगे टिक लाइटेस्ट जो सबसे हल्का है हमें पे टिक करना है सबसे हल्का सबसे लाइटेस्ट ये है हम इस पर टिक करेंगे टिक द लाइटेस्ट ये, ये हैमर बुक शेल्फ एंड अ क्लोथ इनमें सबसे ज्यादा लाइट हल्का कौन सा होगा ये क्लोथ हम टिक करेंगे टिक द हेवीएस्ट सबसे ज्यादा भारी सबसे ज्यादा हैवी। ये लंच बॉक्स वाटर बॉटल एंड अ बकेट ऑफ वाटर तो ये सबसे ज्यादा हैवी होगा हम इस पर टिक करेंगे मेजरमेंट यानी माप। दिस द बुक इज थ्री स्पैन लॉन्ग ये किताब थ्री स्पैन लॉन्ग है थ्री स्पैन तीन बित्ता भी कह सकते हैं अपने थम फिंगर यानी अंगूठे से लेके योर लिटिल फिंगर तुम्हारी कानी उंगली तक एक बित्ता माना जाता है द टेबल इज डैश स्पैन लॉन्ग आप बताओ आपका टेबल कितने बिता कितने स्पैन लॉन्ग है आप मेजर करके देखो और उसे यहां पे लिखो ट्रेस योर फ्रेंड्स हैंड स्पैन हियर अपने दोस्त के हाथ का माप यहाँ पे आप ड्रॉ करो माई टेबल इज डैश स्पैन लॉन्ग मेरा टेबल कितने स्पेन बड़ा है आप अपने टेबल का नाप लो और उसे लिखो यहाँ पे माई पेंसिल इज डैश स्पेन लॉन्ग आप अपने पेंसिल का नाप लो बित्ता बताओ कितना बित्ता है उस, उसको यहाँ पे लिखो माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज डैश पेंसिल लॉन्ग अब आपके क्लासरूम का जो ब्लैक बोर्ड है उस पर आप अपने पेंसिल से नाप लीजिए ये पेंसिल का स्टार्टिंग ये पेंसिल का एंड एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको तो ये एक बिता वन फिर उसी तरह फिर दूसरा स्पेन तीसरा स्पैन ये चौथा स्पैन तो फोर पेंसिल लॉन्ग एज एन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ आप इसको एक बार आप ट्राई करके देख सकते हो प्रैक्टिकली अपने क्लासरूम में द कारपेट इज टेन फीट लॉन्ग जो कारपेट है दरी है बिछा हुआ उस पर आप कुछ इस तरह पैर के ऊपर पैर रख के नाप सकते हो वन फीट टू फीट नेक्स्ट आएगा थ्री फीट फोर फीट फाइव फाइव फीट एंड सो ऑन उसी तरह टेन फीट हो जाता है आप बताओ आपका कारपेट कितना बड़ा है सेम एज उसी तरह द मैट इज सिक्स फीट लॉन्ग जो मैट है वो फीट लंबा है डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज इन दोनों पेड़ों के डिस्टेंस को बताइए कैसे ये वचन आप रहा है वन फीट टू फीट एंड सो ऑन उसी तरह कितना फिट हो सकता है ये अप्रॉक्स ट्वेंटी फीट टू टेन फीट मीन्स टेन टू ट्वेंटी फीट नंबर्स from ट्वेंटी वन टू फिफ्टी इक्कीस से पचास तक के नंबर ये एक टेन का ग्रुप है इसमें टेन मैच स्टिक्स है और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट एट और मैच स्टिक्स है तो टोटल हुए टेन एंड एट एटीन

टेन एंड वंस टेन एक टेन है वन लिखे वन टू थ्री एंड फोर फोर वंस है तो फोर लिखे टोटल है फोर्टीन सी मैच ड्रॉ द बंडल्स एंड वंस बंडल्स बनाना है टेन का तो टेन मैच स्टिक्स बनाएंगे हम ड्रॉ करेंगे और वन में एक मैच स्टिक ड्रॉ करेंगे दो तीन चार और पांच फाइव मैच स्टिक्स तो कितने हो जाएंगे टेन वन में और वन में कितने हैं फाइव तो लिखेंगे हम फाइव ये हो गए फिफ्टीन ये टेन है और ये वंस है तो टेन में कितने हैं? वन वंस में वन एंड टू टू टोटल कितने होंगे टेन इलेवन एंड ट्वेल्व हम लिखेंगे ट्वेल्व यहाँ पे ट्वेंटी है और टेंस में टू मीन्स टेंस दो होंगे दस और दस दो बार दस दस के मैच स्टिक्स के बंडल होंगे टेन वन है वंस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन नाइन वंस हैं तो टोटल हो गए कितने टेन प्लस नाइन स्कल टू हाउ मच टेन अलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सेवेंटीन एटीन एंड नाइनटीन यहाँ पे हम लिखेंगे नाइनटीन यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है टेंस टू यानी दो दस दस के मैच स्टिक के बंडल और वंस में टू यानी दो मैच स्टिक टोटल हो जाएंगे टेन एंड टेन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन एंड टी टू ट्वेंटी टू राइट द नंबर हमें नंबर लिखना है टेंस एंड टें फोर एंड फाइव फाइव वंस टेन एंड टेन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव देखेंगे यहां पे टू एंड फाइव ट्वेंटी फाइव टेन्स है एंड वन से वन टू एंड थ्री थ्री वंस है टेन ट्वेंटी एंड थर्टी थर्टी वन थर्टी टू एंड थर्टी थ्री हम लिखेंगे थर्टी थ्री थ्री एंड थ्री थर्टी थ्री टें टू एंड टू एंड थ्री थ्री वंस टू टेंस अब टोटल है टेन एंड टेन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री लिखेंगे हम यहाँ यहाँ पे फोर टेन्स हैं एंड टू वंस हैं वन टेन टू टेन थ्री टेन एंड फोर टेन एंड टू वी थर्टी एंड फोर्टी फोर्टी वन एंड फोर्टी टू फोर्टी टू यहाँ पे फोर एंड टू फोर्टी टू लिखेंगे कम टेल मी

फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव एंड फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स फोर एंड सिक्स फोर्टी सिक्स लिखेंगे हम देर आर जीरो वंस एक भी वन नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीरो टेंस में वन टू थ्री एंड फोर फोर टेंस यहाँ पे हम लिखेंगे फोर और जीरो तो हो जाएंगे फोर एंड जीरो फोर्टी यहाँ पे कितने टेंस हैं वन टू एंड थ्री थ्री टेंस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सेवन तो थ्री एंड सेवन यहाँ पे लिखेंगे थ्री एंड सेवन थर्टी सेवन पे कितने टेंस हैं वन टू थ्री थ्री टेंस एंड नाइन नाइन वंस तो हो जाएंगे थ्री एंड नाइन थर्टी नाइन नाउ टेल मी हाउ मेनी देयर वन टू थ्री And four. Four tens. And how many ones are there? One, two, three, four, five, and six. Six ones. Ten, twenty, thirty, and forty, forty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, and forty-six. I'm looking for forty-six, four and six. Numbers from twenty one to forty. Fill in the blanks two tens and one twenty one, two tens and two ones ten, twenty, twenty one and twenty two, two tens and three ones one. टू एंड थ्री कितने हो जाएंगे टेन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री टू एंड फोर वंस टेन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फोर

ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी एंड ट्वेंटी सिक्स यहाँ पर हम लिखेंगे ट्वेंटी सिक्स टू पे हम सेवन लाइन्स खींचेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी सेवन टू टेंड एट वंस यहाँ पे हम आठ लाइन खींचेंगे कितने हो जाएंगे ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी एट टू टेंस नाइन ये हो, हो जाएंगे ट्वेंटी नाइन टू टेंटी एंड एक और टेन ऐड हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे थर्टी थ्री टेंस टेंड वन टेन ट्वेंटी एंड थर्टी एंड वन थर्टी वन 3 tenths and 2 10 20 and 30 31 and 32 i'm looking 3 and 2 32 3 tenths and three ones. Thirty, thirty-one, thirty-two, 30 31 32 and 33 now i'm looking at 3 and 3 three tens एंड फोर वंस यहाँ पे हम देखेंगे थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री एंड थर्टी फोर थ्री एंड फोर थर्टी फोर थ्री टेंस एंड फाइव वंस थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर एंड थर्टी फाइव हम लिखेंगे थ्री एंड फाइव थर्टी फाइव थ्री टेंस

And eight thirty eight three tenths and nine ones three and nine thirty nine three tenths and one tenth thirty and ten forty. numbers from 41 to 50 fill in the blanks 4 tens and 1 10 10 10 and 10 how much 10 20 30 and 40 and 1 41 four tenths, 40 and two ones, 41 and 42 we will write 4 and 2 42 four and three ones, forty, forty-one, forty-two, 40 41 42 and 43 4 and 3 43. Four tens, 40 and four ones forty-two, one, forty forty-three, forty-four. we will write 4 and 4 44 four and five ones forty-one, forty forty-two, forty-three, forty-four, and 45

we will write four and eight, forty eight, four tens and nine ones, forty and nine, forty nine, four tens and one ten, forty, just ten, fifty, five and zero. Write the missing numbers. जो नंबर्स मिसिंग है हमें उन्हें लिखना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन कमॉन सेव इथ मी इलेवन, वन एंड टू ट्वेल्व

डेटा हैंडलिंग काउंट द शेप्स इन दबव पिक्चर इस पिक्चर में जितने भी सारे शेप्स हैं हम उन्हें काउंट करना है वी हैव टू काउंट दैम ये सन में कितनी शेप है वन सर्कल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट एट ट्राइंगल्स और ये टू ट्राइंगल्स ऑफ माउंटेन पहाड़ के शेप के दो ट्राइंगल्स हैं और बर्ड के शेप के वन टू and three three shapes one bird or one two three four five and six six triangles and three circles is called to three birds two big triangles is called to two mountains eight triangles and one circle is equal to sun. four triangles, one, two, three and four and four rectangles is equal to four trees. now tell me how many shapes are there in this mouse? two triangles, one, two, Three and four four circles. How many shapes are there in this house? One, two, three, four, five, six seven. One big eight, one door, 9, nine, ten, eleven and twelve. Twelve rectangles. यहाँ पे आपको जो भी शेप्स जितनी बार भी आए हैं उन्हें लिखना है ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल स्क्वायर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सेवन स्क्वायर्स रेक्टेंगल हो जाएंगे वन बिग टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव रेक्टेंगल्स अब बताइए इन सारे शेप्स में सबसे ज्यादा दैट अकर्स द मोस्ट जो सबसे ज्यादा बार आए हैं उसे लिखना है दैट अकर्स द लीस्ट जो सबसे कम आया है उसे लिखना है दीज चिल्ड्रंस आर फ्रेंड्स काउंट द नंबर्स ऑफ लेटर इन ईच नेम वर्ड ये सभी बच्चे दोस्त हैं इनकी जो इनके जो नेम्स हैं उनके वर्ड को काउंट करके हमें यहाँ पे लिखना है जैसे ये सलमा एस ए एल एम एंड ए वन टू थ्री फोर एंड फाइव यहाँ पे हम लिखेंगे फाइव Same as this one is 6 this one is 4 this one is 6 this one is 5 and so on. बाकी आपके लिए होमवर्क हाउ मेनी names है फोर लेटर्स कितने सारे नाम हैं जिनकी लेटर फोर हैं? हमें उसे काउंट करना है और लिखना है किसमें फाइव लेटर्स हैं कितने सारे में एंड सिक्स लेटर्स हाउ मेनी टाइम्स एस कम्स इन ऑल नेम्स टेकन टुगेदर एस कितनी बारी आया है इन सारे ना नामों में हमें उसे काउंट करना है और लिखना है एंड ए ए कितनी बारी आया है उसे काउंट करिए और लिखिए पैटर्न्स एक्सटेंड द सीक्वेंस इस सीक्वेंस को हमें आगे बढ़ाना है जैसे एक बार सीधा टी देन फिर उल्टा टी सीधा टी फिर उल्टा टी उसी तरह आगे सीधा टी फिर उल्टा टी फिर सीधा टी फिर उल्टा टी एंड सो ऑन नेक्स्ट टू लाइंस देन अ सर्कल टू लाइंस देन अ सर्कल टू लाइंस देन अ सर्कल फिर टू लाइंस देन अ सर्कल एंड सुओन अपैरोन अपैरो एंड डाउन एरो एंड सुओन यहां पर है सीधा वी ये है उल्टा वी सीधा वी फिर उल्टा वी फिर आएगा क्या सीधा वी फिर उल्टा वी सीधा वी फिर उल्टा वी एंड सो ऑन दू सर्कल देन ए रेक्टेंगल टू सर्कल्स देन ए रेक्टेंगल टू सर्कल्स देन ए रेक्टेंगल टू सर्कल्स देन ए रेक्टेंगल एंड सो ऑन Mango, apple, mango, apple, mango, and apple, and so on. W, M, W, M, W, and M, W, and M, and, M, and so on. What comes next in the sequence? सीक्वेंस में क्या आएगा सर्कल फिर सन ये सर्कल ये सन फिर आएगा सर्कल फिर ये सन फिर सर्कल फिर ये फ्लावर पॉट जैसा दिख रहा है उल्टा फ्लावर पॉट सीधा फ्लावर पॉट फिर उल्टा फ्लावर पॉट फिर सीधा फ्लावर पॉट फिर उल्टा फ्लावर पॉट फिर सीधा फ्लावर पॉट फिर उल्टा फ्लावर पॉट फिर ये ड्रॉप जैसा दिख रहा है और ये उल्टा बलून जैसा ड्रॉप उल्टा बलून फिर ड्रॉप फिर उल्टा बलून यहां पे ड्रॉप ये फूल फ्लावर और ये पत्ती लीफ फ्लावर लीफ फ्लावर लीफ एंड फ्लावर हम जब मैसेज टाइप करते हैं तो ऐसे स्माइलीज आते हैं ना वो स्माइली एंड अ स्माइली फेस वो स्माइली एंड स्माइली फेस देन इसको हम सरप्राइजिंग स्माइली बोलते हैं यहाँ पे बोह स्माइली एंड स्माइली फेस बो स्माइली स्क्वायर इनसाइड अ सर्कल ये जो स्क्वायर है सर्कल के अंदर है नाउ स्क्वायर आउटसाइड है सर्कल इनसाइड है सर्कल इनसाइड है स्क्वायर ये दोनों तो वाइस वैसा हो रहा है यहां पे सर्कल स्क्वायर स्क्वायर सर्कल सर्कल स्क्वायर स्क्वायर सर्कल सर्कल स्क्वायर ये शेप टेबल लैम्प किच जैसा है हेड ऑफ द टेबल लैंप कुछ ऐसे ही दिखता है और ये ड्रॉप टेबल लैंप एंड ड्रॉप टेबल लैम्प एंड ड्रॉप टेबल पैटर्न्स इन शेप फिलिंग द बॉक्सेस इन सिक्वेंस इस सिक्वेंस में जो फिगर आ रहा है जो बॉक्स ब्लैंक है उसे फिल करना है पहले लीफ आया फिर फ्लावर देन लीफ देन फ्लावर देन लीफ देन फ्लावर देन लीफ देन फ्लावर, देन लीफ, देन फ्लावर. सर्कल ट्राइंगल रेक्टेंगल सर्कल ट्राइंगल देन रेक्टेंगल सर्कल ट्राइंगल देन रेक्टेंगल वन एक बार लिखा है वन दो बार लिखा है वन तीन बार लिखा है वन फोर टाइम्स लिखा जाएगा वन फाइव टाइम्स लिखा हुआ है देन वन सिक्स टाइम्स लिखा जाएगा यहाँ पे देखिए एक कैंडल खड़ा है एक कैंडल लेटा हुआ है दो कैंडल खड़ा है दो कैंडल लेटा हुआ है तीन कैंडल खड़ा है तीन कैंडल लेटा हुआ है सेम एस फोर कैंडल्स होंगे यहाँ पे खड़े और फोर कैंडल्स लेटे हुए देन फाइव कैंडल्स खड़े एंड फाइव कैंडल्स लेटे हुए यहाँ पे ऑड नंबर पे ब्रांच में लीव्स आ रहा है पहले बनाया देन थ्री देन फाइव देन सेवन सेवन लीव्स आना चाहिए इस ब्रांच में यहाँ पे नाइन लीव्स यहाँ पे फाइव लाइंस हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव एक लाइन मिटा दिया गया बचे वन टू थ्री एंड फोर लाइंस एक और लाइन मिटा दिया गया थ्री लाइन बचे एक और लाइन मिटा दिया जाएगा तो टू लाइन फिर एक और लाइन मिटा दिया जाएगा तो वन लाइन एक एक लाइन हर फिगर में ओमिट हो रहा है स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन दिसिंग नंबर्स ऑर्ड नंबर है वन थ्री फाइव सेवन देन नाइन देन इलेवन देन थर्टीन ऑर्ड ऑर्ड नंबर में उसे कहते हैं जो टू से डिवाइड नहीं होता है और इवन नंबर हम उससे कहेंगे जो टू से डिवाइड होता हो यहाँ पे नंबर बैकवर्ड्स जा रहा है ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी नाइनटीन एटीन सेवेंटीन सिक्सटीन यहाँ पे टेन टेन का इंक्रीमेंट हो रहा है टेन ट्वेंटी थर्टी देन फोर्टी देन फिफ्टी देन सिक्स ज़ीरो सिक्सटी यहाँ पे इलेवन का मल्टीप्लीके मल्टीप्लीकेशन चल रहा है इलेवन का टेबल इलेवन वन जा इलेवन इलेवन टू ज ट्वेंटी टू इलेवन थ्री सा थर्टी थ्री इलेवन फोर ज फोर्टी फोर इलेवन फाइव सा फिफ्टी फाइव इलेवन सिक्स जॉ सिक्सटी सिक्स इलेवन सेवन सा सेवेंटी सेवन यहाँ पे

एट में थ्री ऐड करेंगे तो इलेवन इलेवन में थ्री ऐड करेंगे तो फोर्टीन फोर्टीन में थ्री ऐड करेंगे तो सेवेंटीन सेवनटीन में थ्री ऐड करेंगे तो ट्वेंटी कंप्लीट द पैटर्न यहाँ पे वन ट्राइंगल है देन टू ट्राइंगल्स थ्री ट्राइंगल्स देन यहाँ पे फोर ट्राइंगल्स होने चाहिए देन फाइव ट्राइंगल्स थ्री फ्लावर्स फोर फ्लावर्स

थ्री फाइव then सेवन then नाइन यहाँ पे फाइव स्टार्स हैं देन फोर स्टार्स हो गए देन थ्री स्टार्स होंगे देन टू स्टार्स होंगे देन वन स्टार डिक्रीजिंग हो रहा है यहाँ पे एडिशन हो रहा है वन मैच स्टिक फिर टू मैच स्टिक फिर तो यहाँ पे थ्री मैच स्टिक हो गए यहाँ पे कितने होंगे फोर मैच स्टिक देन फाइव मैच स्टिक एक एक मैच स्टिक ऐड हो रहा है पहले रेक्टेंगल है फिर रेक्टेंगल के ऊपर ऐसे ड्राइंग हुआ सेमी सर्कल का देन टू सेमी सर्कल्स देन थ्री सेमी सर्कल्स होने चाहिए देन फोर सेमी सर्कल्स होने चाहिए जैसे कि ये थ्री हो जाएगा और ये ऐसे फोर हो जाएगा कंप्लीट द पैटर्न टू फोर सिक्स एट देन टेन देन ट्वेल्व देन फोर्टीन टू का एडिशन हो रहा है सब में 27, 28, 29, 30, 30, 31, 3 थ्री जीरो थर्टी वन थ्री एंड वन थर्टी 3 थ्री एंड एंड यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है 25, 30, 30 plus 5, 35, 35 plus 5, 40, 40 plus 5, 45, 45 plus 5, 50. प्लस फाइव फिफ्टी फाइव यहाँ पे थ्री ऐड हो रहा है वन में थ्री ऐड हुआ फोर फोर में थ्री ऐड हुआ सेवन सेवन में थ्री ऐड होगा टेन टेन में थ्री ऐड होगा थर्टीन थर्टीन में थ्री ऐड होगा सिक्सटीन सिक्सटीन में थ्री ऐड होगा कम ऑन, नाइनटीन यहाँ पे टू का सब्सट्रैक्शन हो रहा है दो घटाया जा रहा है फिफ्टीन माइनस टू थर्टीन थर्टीन माइनस टू इलेवन इलेवन माइनस टू हाउ मच नाइन नाइन माइनस टू सेवन सेवन माइनस टू फाइव फाइव माइनस टू थ्री यहाँ पे टेन ऐड हो रहा है टेन टेन प्लस टेन ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी थर्टी प्लस टेन

Four tens, one, two, three, and four tens, and three ones, one, two, and three, four, and three, forty three. How many tens are here? One, two, three, and four, four tens, and how many ones? One, Two, three, four, five, and 6 6 months 4 and 6 46 how many tens are here 1 and 2 right 2 two tens and how many ones zero so zero 2 and 0 Twenty. How many tens can make twenty two? Two tens, and how many ones? One and two, two ones. So two and two, twenty two. Write the number in the given space.

five six and seven seven tens and how many ones one two and three right three seven and three seventy three how many tens one two three four five six six tens right six and how many ones? One, two, three, Four, four ones. Six and four. Sixty-four. three, four, five, and six. Six tens. And how many ones? One, two, three, four. Five and six, six ones. Six and six, sixty-six. How many tens are here? One, two, three, four, five, six, seven, and eight. Eight tens. And how many ones? Zero. Eight and zero, eighty. One, two, three, four, five, six, seven, eight, and nine. Nine tens. Write nine. And how many ones? One, two, three, four, five, six, seven, eight, and nine. Write nine. Nine and nine, ninety-nine. How many tens? Nine. How many ones? One. Nine and one, ninety-one. How many tens? Seven. How many ones? Four. Seven, four, seventy-four. numbers from 51 to 70 fill in the blanks 5 10s and 1 Ten, 20 30 40 and 50 and 1 5 and 1

5 and 3 53 10, 20, 30, 40 and 50 and four ones. One, two, three, and 4 5 and four, fifty-four. 54 5 tens and 5 ones

5 tenths and nine ones. You have to draw 9 lines Fifty-one, fifty-two, fifty-three, fifty-four, fifty-five, fifty-six, fifty-seven, fifty-eight, and 59. 5 and nine, fifty-nine. 59. 5 tenths and 1 plus ten, sixty-six 50 plus 10, 60. Six and zero, sixty. 6 tenths and one, sixty and one sixty one, sixty and 2 6 and 2 62 60 and three, sixty one sixty two and 63 6 and 3 6 tenths You have to draw 6 tenths and four ones. 6 and 4 Sixty-four, six tenths, and five ones. You have to draw five, five lines. Six and five, sixty-five. Six tenths and six ones, six, and six. Sixty-six. Six tenths and seven ones. Six and 7, 67, 6 tenths and eight ones. 6 and 8, 68, 6 tenths and nine ones. 6 and 9, 69, 6 tens and one ten sixty 60 plus 10, 70. Seven and 0. Numbers from 71 290 7 tenths and 1 7 and one seventy-one, 71 7 tenths and two ones. 7 and two seventy-two, 72 7 tenths and three ones, one two three, seven and three seventy-three, 73 7 tenths and four ones. 7 and four seventy-four. 7 tenths and five ones. 7 and five 75 7 tenths and six ones. 7 and six seventy-six. you have to draw 6 lines 7 tenths and seven ones. Seventy-one, seventy-two, seventy-three, seventy-four, seventy-five. 71 Seventy-six and Seventy-seven, Seven and Seven, Seventy-seven. and Eight-ones, Seven and Eight, ones. 7, 8 Seventy-eight. 7 and Nine-ones, Seven and Nine, Seventy-nine. 7 and One-ten, Seventy plus Ten, Eighty, Eight and Zero.

numbers from 91 to 100 9 tenths and one ninety-one. 91 9 tenths 90 plus 2 92 9 tenths 90 plus three ninety-three. 93 9 tenths 90 plus four ninety-four. 94 9 tenths 90 plus 5 95.

इन नाइनटी नाइन नाइन टेंटी प्लस टेन हंड्रेड राइट दी मिसिंग नंबर्स जो नंबर्स ब्लैंक है हमें उस ब्लैंक को भरना है फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव

Seven and eight seventy eight, seven and nine seventy nine, eight and zero eighty eight and one eighty one, eight and two eighty two, eight and three eighty three, eight and four eighty four, eight and five eighty five, eight and six eighty six, eight and seven eighty seven, eight and eight eighty eight, eight and nine eighty nine. Nine and zero ninety nine and one ninety one nine and two ninety two nine and three ninety three nine and four ninety four nine and five ninety five nine and six ninety six nine and seven ninety seven nine and eight ninety eight nine and nine ninety nine one double zero hundred मनी यानी पैसा कॉइन्स करेंटली इन यूज इन इंडिया वो पैसे जो अभी इंडिया में यूज हो रहे हैं वन रुपी क्वाइन देखिए कुछ ऐसा दिखता है टू रुपीज कॉइन देन फाइव रुपीज कॉइन फाइव रुपीज कॉइन कुछ ऐसा दिखता है एंड टेन रुपीस क्वाइन कुछ ऐसा दिखता है यू कैन गिव मनी एंड परचेज थिंग आप पैसा देते हो तभी कुछ सामान खरीद सकते हो नोट्स करेंटली इन यूज इन आवर कंट्री वो नोट जो हमारे कंट्री में अभी यूज़ हो रहे हैं फाइव रुपीज़ नोट टेन रुपीज़ नोट ट्वेंटी रुपीज नोट फिफ्टी रुपीज नोट देखिए कैसे दिखते हैं एंड हंड्रेड रुपीज नोट बताइए ये किन की चित्र है ये है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चित्र यहाँ पे आरबीआई का लोगो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे है हमारा नेशनल एम्बलम शुक स्तंभ जिसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा विजय होती है यहाँ पे गवर्नर का साइन होता है और यहाँ पे रुपीस का नंबर लिखा होता है मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स ये जो अमाउंट लिखा हुआ है हमें उसे बनाना है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ करके वन रुपीज़ बनाना है तो सिंपली वन रुपीज़ रख देंगे टू रुपीज़ बनाना है तो सिंपली टू रुपीज टू रुपीज़ और कैसा बन सकता है दोपहर वन रुपीज़ टू रुपीज़ हो गए वन प्लस वन टू एंड थ्री रुपीज टू रुपीज़ प्लस वन रुपीज थ्री रुपीज़ हो गए और टू रुपीस प्लस टू रुपीज माइनस वन रुपीज़ इसकल टू थ्री रुपीज सिंपली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हो रहे हैं यहाँ फोर रुपीज़ हम कैसे बना सकते हैं टू रुपीज प्लस टू रुपीज to 4 rupees or 4 times 1 rupees 1 plus 1 plus 1 plus 1 4 rupees and 2 times 2 rupees and 2 times 1 rupees 1 times 2 rupees and 2 times 1 rupees is equal to 4 rupees 5 rupees 5 times 1 rupees one plus one plus one plus one and plus one five times plus one over five rupees. or two plus two plus one five rupees, or simply five rupees or two two rupees and one one rupees is got two five rupees. Come on, let's see how we can make six rupees. 5 rupees plus 1 rupees is equal to 6 rupees 2 plus 2 plus 2 is equal to 6 rupees or 6 times plus 1 6 rupees or 2 times 2 rupees and 2 times 1 rupees 6 rupees or 3 times 2 rupees discuss with your friend and guess the price आपको इन सभी आइटम्स के प्राइस कीमत गेस करने हैं जैसे एक पैंट कितने में आता होगा एक बुक कितने में आती है वन रूम यानी झाड़ू कितने में आती है वन काइट वन वेस्ट वॉच इन सभी के प्राइस को आपको ग्रेस करना है हाउ मैनी राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स स्टिक्स को काउंट करो और लिखो बताओ कितने सारे हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स राइट सिक्स वन टू थ्री फोर Five, six, seven, and eight. Right? Eight. Yeah, ten sticks bundle hai? We okay ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, and twenty. Happy I'm looking at two and zero twenty. Ten, eleven, twelve, and thirteen. यहाँ पे हम लिखेंगे वन एंड थ्री थर्टीन ये टेन एवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन यहाँ पे हम लिखेंगे फिफ्टीन ये टेन एवन टूवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवेंटीन हम लिखेंगे वन एंड सेवन सेवेंटीन ये टेन

एक बनाना का कॉस्ट है वन रुपीज एक रुपये तो थ्री बनाना का कॉस्ट हो जाएंगे थ्री टाइम्स वन रुपीज मीन्स थ्री रुपीज गिव नंबर नेम ये है फिफ्टीन हाउ मैनी टेंस इसमें कितने बारी टेन है टू टाइम्स है टेन प्लस टेन प्लस फोर ट्वेंटी फोर विच इज़ द बिगा नंबर बड़ा नंबर कौन सा है थर्टीन या फिर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स टू सिक्स ट्वेंटी सिक्स अब हमें इस पिक्चर पे एक स्टोरी बनानी है देर आर फाइव गोड्स टू लेफ्ट मीन्स फाइव माइनस टू हाउ मेनी लेफ्ट थ्री नाउ see this picture and read the story in class we can write billu is a boy he likes to make basket ye yeah, basket tokri and you can go on with this story Please subscribe my channel and motivate me to make more videos. Thank you. Watch this video repeatedly till you understand.